मैं हूं इंडिया का सबसे फिल्मी लौंडा, मैं हूं इंडिया का जो सबसे फिल्मी लौंडा राजोस। मैं हूं इंडिया का सबसे फिल्मी लौंडा राज जोन्स एंड द राज जोन्स पॉडकास्ट के स्पेशल एपिसोड में आज मेरे साथ मौजूद है अपनी दिल्ली के बहुत ही जीफाड़ आर्टिस्ट जिनका नाम है मूफाड़। तो भाई का वेलकम करता हूं इस स्पेशल पॉडकास्ट में। सुमर भाई कैसे हो आप? बढ़िया भाई, आप बताओ। बेहतरीन भाई, मतलब दबा के काम कर रहा हूँ, आप भी दबा के काम कर रहे हो। लेकिन उससे पहले मुझे ये बताओ कि क्या चल रहा है भाई लाइफ में, कैसे हो? पहले चीयर्स करेंगे। चीयर्स। बस भाई बढ़िया, काम वाम ही चल रहा है और क्या चलेगा। मतलब म्यूजिक वगैरह ही कर रहे हैं और नए गाने बन रहे हैं, काफ़ी पुराने गानों के शूट चल रहे हैं। हाँ, है ना, काफ़ी सारी ईपीज़ वगैरह अनाउंस की हुई है और बनी पड़ी हैं, अब धीरे धीरे करके निकालना शुरू कर रहे हैं, फ्लैश ऑफ कर रहे हैं सारी चीज़ें ना। दैट्स ग्रेट भाई। मैं ये देख रहा हूँ कि यू नो आप बहुत सारा काम कर रहे हो और बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, तो पहले इसके बारे में मुझे ये बताओ कि इतनी सारी ईपीज़ पे काम करना है, देखो इजी तो है नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जितना मुझे एक्सपीरियंस है कि आर्टिस्ट जब काम करता है ईपी पे या एल्बम पे उसमें बहुत टाइम लगा करता है। और आप मेरे ख्याल से चार या पांच, कितनी ईपी पे आप काम कर रहे हो एक साथ, अभी मुझे बताओ। मैं अभी 3 ईपी चल रही है मेरी जिसपे काम चल रहा है, बाकी 2 शायद निकल चुके हैं, 2 या 3 निकल चुके हैं। तो 3 ईपी पे काम चल रहा है मेरे को ना यार। सबसे ज्यादा लगता है कि एक एक गाने पर फोकस करके जब बनाना होता है वो जो प्रोसीजर होता है, तो मैं बिल्कुल कलेक्टिव उसमें नहीं देखता कि ईपी में 3 गाने चाहिए या चलो एल्बम कर रहे हो तो 7-8 गाने चाहिए। ठीक है, मैं उस तरीके से मैं देखता हूँ कि एक एक गाने पे जितना टाइम लग रहा है ना, और हर गाने का ड्यूरेशन अलग होता है बनने का। कुछ गाने बहुत जल्दी बन जाते हैं, कुछ गाने ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं, जो लिखने में टाइम लगता है, क्योंकि वो ये जस्टिफाई जब तक नहीं करोगे तब तक अंदर से आता नहीं है, निकालते हैं उसको, है ना। तो 3 ईपी चल रही है, एक तो हो गई लव बाइट्स और BDSM हो गई सत्य पे सत्ता, सत्ता पे सट्टा, इसका नाम हर कोई गलत देता है। हाँ, सॉरी, साफ साफ लिखा हुआ है SATTAPE, बट सब सत्य पे सत्ता, वो ठीक है, नॉर्मली बंदा मूवी थी और वो इंग्लिश में लिखा है, तो मैं देख लेता हूँ ऑडियंस का अटेंशन कितना है। हाँ, तो उसका नाम क्या है? सत्ता पे सट्टा, सत्ता पे सट्टा, पावर पे सट्टा। तो 3 ईपी पे काम चल रही है, तो यू नो पहले फर्स्ट ईपी के बारे में बताओ। फर्स्ट ईपी जो लव बाइट्स है, जैसे हमने इससे पहले गुलाब करी थी, तो गुलाब में बहुत क्या बोलते हैं, ब्राइट साइड दिखाई गई थी ना, हैप्पी साइड, फन साइड, लव साइड। अब इसमें ट्रांजिशन है कि अगर ये है तो ये भी है ना, अगर ये देखता है इंसान प्यार में तो ये भी देखता है। तो उसमें जितने भी गाने हैं उसमें मूड्स बहुत जल्दी जल्दी बदल रहे हैं गानों के। ठीक है सब कुछ प्यार के आसपास ही बातें ऐसी हैं उसमें, जैसे लव बाइट्स में कि प्यार काटता कैसे, है ना, प्यार है तो प्यारी चीज़ सबको पसंद है, किसको प्यार नहीं चाहिए पूरी दुनिया में, बट वो जब काटता है तो कैसा लगता है, बस वो वाली चीज़ है, वो एक फीलिंग के ऊपर है वो 3 गाने। सेकंड है BDSM। हाँ, ये BDSM वही है जो आप समझ रहे हो क्या? हाँ है तो वही है, बट इसका मतलब अलग है। हाँ, क्या इसका मतलब, क्या BDSM का? इसका है बेदर्दी संयम है। कहाँ पे? माइक पे, पलंग पे, फोल्डिंग पे, गद्दे पे, हर जगह। क्योंकि आर्टिस्ट तो परफॉर्मर होता है, चाहे वो स्टेज हो या बेड हो। मतलब मेरी आदत है यार, मैं लाइफ की जो चीजें होती है ना उनसे रिलेट करके म्यूजिक बनाता हूँ, है ना, ताकि कुछ नई बात निकले, सुनी सुनाई बात ना निकले। तो जैसे ये टाइटल अट्रैक्टिव भी है लोगों के लिए कि BDSM, वो हमने तो देखा ही होता है, वो होता है, बट मेरा BDSM ये है कि बेदर्दी सही है हमें माइक पे, मतलब कैसे भी ले लो। हाँ, इसमें किस 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 तरह के गाने होंगे इस EP में? BDSM में? हाँ, BDSM में। BDSM में आई गेस मैं अभी एक गाना इसमें स्वैप करने वाला हूँ, कि हो सकता है एक गाना हम शिफ्ट करें, बट गाने नॉटी नॉटी से हैं। हाँ, नॉटी नॉटी से गाने हैं इसमें, जैसे हाँ टाइटल्स भी धीरे धीरे मैं करूंगा रिवील, अभी okay. मैं थोड़ा सा कुछ सॉर्ट कर लूँ कि मेरे को ये वाला इसमें चाहिए, इसमें नहीं चाहिए। हाँ, जैसे जो ईपी का नाम है उसी तरह के, उसी तरीके के होंगे। हाँ, उसी तरीके होंगे। फन वाइब होगी, बहुत मस्ती वाली होगी, इसमें कुछ भी सैडनेस नहीं होगी BDSM में, इट्स ऑल अबाउट फन, दैट्स इट। नो पेन, पेन तो होगा क्योंकि BDSM में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थर्ड ईपी? हाँ जी, थर्ड ईपी आ रही है अभी। ये कौन कौन सी थी? BDSM हो गई, लव बाइट्स हो गई, सत्ता पे सट्टा हो गई। सत्ता पे सट्टा इज ऑल अबाउट हाउ आई रूल माई लाइफ, है ना, कि जो भी आप आसपास जितनी भी क्या बोलते हैं उसे गेमें चल रही हैं, पॉलिटिक्स चल रही है, जो भी सारी चीज़ें हैं उसके ऊपर मेरा क्या टेक है, व्हाट्स माय टेक ऑन दैट, समाज में या हिप हॉप सीन में? मैं दुनिया की बात कर अब जितने मेरे गाने आएंगे उसमें मैं दुनिया की बात कर रहा हूँ, मैं हिप हॉप की बात कर ही नहीं रहा हूँ। okay. होता क्या है कि लोग हिप हॉप लिसनर्स हैं ना सारे, तो
उनको लगता है कि उसके लिए उसके लिए उसके लिए उसके लिए वो इतना सा एक क्राइटेरिया उनका वो पूरा वो बना हुआ है. तो मेरे साथ वाला नहीं है पूरा. अगर मान लो मैं किसी को चोर बोलूँ तो जिस दिन उन्होंने चोरी करी है ना सबके बाल खड़े हो जाए, वो वाला सीन है मेरे के. मैं सबको बोल रहा हूँ, किसी एक को नहीं बोल रहा, जिसने चोरी करी है वो चोर है. हम ऐसे मार्केट में जा रहे हैं सब लोग, आपने चूतिया बोला तो जिसने देखा वैसा वाला. हाँ यार लोग बनाते हैं, मैं बोल नहीं सकता. हाँ सिंपल सी बात है, वो लोग बोलते हैं मैं बना नहीं सकता, मतलब बोलते हैं बनाना. हाँ वही so इस ईपी में मतलब यू नो आप हिप हॉप की बात नहीं कर रहे हो, यू आर टॉकिंग अबाउट वर्ल्ड, वर्ल्ड में क्या चल रहा है. हाँ मतलब क्या ऐसा रहा कि हिप हॉप की बात ना करूँ क्या. हाँ देखो जैसे अब क्या है कि मैंने बताया ना कि मेरे एक्सपीरियंसेस के हिसाब से सारे गाने हैं, तो इसमें भी बातचीत वही है जो मेरी लाइफ में मैंने देखा है ना. मैं किसी फलाने बंदे की बात नहीं कर रहा हूँ. सत्ता पे सत्ता जो है वो उसमें सारी वही एक्सपीरियंसेस है जो मैंने देखे हैं और जो मैं और यंग जो आर्टिस्ट हैं अब आगे उनको अवेयर कर रहा हूँ कि इससे बचना ठीक है. तो ये सारी चीज़ें हैं उसमें. ग्रेट भाई, ऑल द बेस्ट भाई आपकी जो तीनों ईपी आ रही है उसके लिए. यू नो जीफा ढेडो खतरनाक काम करें. अभी आपका एक ट्रैक आया है जल्दी आओ जो कि अपने रफिक्स भाई ने प्रोड्यूस किया. काफी जल्दी गया वो, सही है. हाँ बहुत जल्दी आ गया, यू नो अच्छा कर रहा है. सो पहले तो यू नो लेट मी टॉक अबाउट दिस ट्रैक, कैसा आइडिया आया. जल्दी आओगा यार, मैं ना मनी हाइस्ट का बहुत फैन हूँ, एकदम से इंस्टेंट फैन हो गया था मैं. और मेरे को ना काफी टाइम कर्तव्य मेरे को बोलता रहता था कि भाई सीरीज देखो, सूट्स देखो, है ना, और क्या बोलते हैं मनी हाइस्ट देखो, ये सब देखो. तो मेरे मैं थोड़ा सा वो नहीं बोला बेंच वॉच करने वाला या विजुअल्स देखने वाला, है ना. बीच में थोड़ा वेला टाइम मिला मेरे को तो मैंने कहा यार ट्राई करता हूँ, क्योंकि कुछ ना मेरी आदत हो गई है. मैं थोड़ा मूवीज और बुक्स में आ गया हूँ, थोड़ा थोड़ा, पूरी तरह नहीं बट थोड़ा थोड़ा. कोशिश कर रहा हूँ कि कहीं ना कहीं से कुछ अच्छी चीज़ें और पढ़ने को मिले, है ना, देखने को मिले. तो मनी हाइस्ट देखी मैंने. मनी हाइस्ट भाई वो थोड़ा सा मेरे ऊपर ही वो कर गई, क्या बोलते हैं उसे, मेरे को कंट्रोल करने लगी. मैं सारे एपिसोड लगातार देखता गया. तो थोड़ा सा इम्पैक्ट मेरे ऊपर इस तरीके से रह गया कि मैं फ़ैन बन गया उसका. उसमें जो चीज़ें दिखाई है ना, जो कम्प्लीट ब्लेंड है, तो उसकी वजह से अब था क्या, मैं सिद्धार्थ और हमारे एक भाई और अभिषेक भाई, तो हम कॉल पे थे, वीडियो कॉल पे थे. तो मनी हाइस्ट का नया एपिसोड आए थे अभी, है ना. तो बात चल रही थी कि मैंने कहा यार बड़ा मन है यार इस पर ना कुछ करने का. तो सिद्धार्थ तो रहता ही फुल उसमें. उसने बोला तो कर दो, क्या दिक्कत है. तो ऐसी मेरे इंस्टेंटली ना, मैं ऐसी मस्ती में थे तो गाते गाते मुझसे निकल गया, जिसको है आना जब मर्जी आ जाओ, जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ, आओ आओ बैठा हूँ भूखा. सिंपल ये इस तरीके से निकल गया वो फ्लो में, ऊपर से फूका, तो बस बन गया गाना. लाइफ पे भी था कुछ ज्यादा. हाँ देखो मेरे पास लिखने को बहुत कुछ है, बस मेरे को ना समेटने में टाइम लगता है, क्योंकि एक गाने में पूरी दुनिया भर की बातें नहीं हो सकती, एक उसका दायरा होता है गाने का ना. तो वही राइटिंग के उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है अब इन दिनों मेरे को लगने लगा है, और मेरे को लगता है कि ठीक है. मतलब थोड़ा ईजी भी रख रहा हूँ चीज़ें, कि जैसे लोग तो बोलते हैं कि चलो टेक्निकल हो गया ना ये सब चीज़ें, बट मेरा सीन ये है कि बात ही नहीं समझ आई तो क्या करोगे टेक्निक का. हाँ, क्योंकि कॉमन ऑडियंस मेरे ख्याल से इतना नहीं सोचती है. देखो जिसने अब जितना टाइम भी मेरे को हो गया ना करते हुए, तो मैंने क्या चीज देखी कि जितने भी रैप लिसनर्स है, टेक्निकल लिसनर्स है या हार्डकोर हिप हॉप फैंस है ना, जानते ही हैं, सुना हुआ है, अब उससे ज्यादा क्या. ठीक है तो उनको तो जो उनकी भूख है वो तो मैं तो उनको देता रहूंगा, बट उसके अलावा और भी लोग हैं. हर आर्टिस्ट चाहता है कि हर जगह पे सुना जाए, हुआ ना. तो मेरे पास पोटेंशियल है, मैं बना लेता हूँ अलग तरीके का गाने. तो बस मैं वही है कि उन लोगों को भी एंटरटेन करने की कोशिश करता हूँ पूरी पूरी, और उन लोगों को भी. बढ़िया बात, क्योंकि मुझे लगता है कि यू नो हर 3-4 महीने बाद आपकी ऑडियंस भी चेंज होती है. हाँ, नई ऑडियंस आपसे जुड़ती है. हाँ, तो आप भी मतलब यू नो अगर सेम चीजें करते रहोगे तो वो आप भी बोर हो जाओगे, ऑडियंस बोर जाएगी, और फिर नई ऑडियंस बन नहीं पाएगी. राइट राइट राइट, सही है भाई. तो इस तरह से गाना बना, और अपने जो भाई है रफिक्स, हाँ भाई ने बहुत अच्छा काम करा भाई, बहुत अच्छी भाई ने प्रोड्यूस करा है. और जिस भाई ने आर्ट बनाया, भाई का नाम भूल गया मैं, आकाश, उसने भी बहुत अच्छा काम किया. दोनों को शॉर्ट आउट, बहुत खतरनाक काम किया. गाने में सुन रहा था भाई, और गाने रिलीज होने के बाद काफी माहौल गर्मा गया. मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि उसमें 2-3 लाइनें थी जो ऐसा लगता है शॉर्ट्स है या सबलिमिनल है, तो आपने क्यों वो सबलिमिनल शॉर्ट, सबलिमिनल मतलब बोला, मैंने क्यों उंगली करी, क्यों उंगली करी, क्योंकि सब कुछ सही चल रहा था, आई थिंक खत्म हो गया था सब कुछ उस पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ. मैंने ना किसी का नाम लिया ना मैंने, क्योंकि मेरी आदत है जब मैं भाई मैंने गाने निकाले, नाम लेके गाने निकाले तो अब नहीं निकाल सकता मैं, क्यों सबलिमिनल दूंगा. आपने स्टोरी भी डाली थी. मैं सिर्फ अपनी लाइफ की बात कर रहा हूँ कि मेरी लाइफ में ये हुआ है और आज मैं ये सोचता हूँ. अब मैं तो रैप में वही लिखूंगा ना, मैं फेक तो लिखूंगा नहीं कुछ. आई डोंट टॉक अबाउट आइस, राइट ब्लिंक्स, मैं तो बात करता नहीं. मेरे साथ जो हुआ मैं तो वही चीज़ बात करता हूँ. बट
जो चीज खत्म हो चुकी है भाई उसको फिर वापस से लाना है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से बोल। देखो पता है खत्म शुरू करने वाले लोग होते हैं, उनको मौका चाहिए शुरू करवाने का और खत्म करवाने का भी। तो वही है मतलब कुछ सोच के नहीं डाला हुआ किसी के लिए, जो अंदर से आता है लिखा जाता है और वो निकलता है बस फिर सिंपल। अभी भी चीजें चलती है आपके माइंड में क्या वो पुरानी चीजें? नहीं नहीं पुराना कुछ नहीं चलता है, बट जब अगर मैं सोचूंगा मेरे को ऐसी चीजों के बारे में बात करनी है जिससे इंसान को परेशानी होती है, किसी आर्टिस्ट को परेशानी होती है बेसिकली। मैं कॉमन मैन की बात तो बाद में करूंगा, अभी तो कर ही नहीं रहा, अभी मैं आर्टिस्ट के आसपास की बात करता हूँ ना कि आर्टिस्ट के क्या एथिक्स होने चाहिए और किस तरीके से चलना चाहिए। तो जो मेरी लर्निंग्स है जो मेरे एक्सपीरियंसेस है बस वही मैं लिखता हूँ, और मुझे लगता है कि हुआ है तो हुआ है, क्या दिक्कत है ना, आप उसको बढ़ाओ मत, हुआ है तो हुआ है। अब वही है ना, कितने सारे लोग ऐसे हैं जिनको आज भी लोग समझ नहीं पाते अच्छा है बुरा है, हर किसी के बारे में कोई उल्टा बोलता है कोई अच्छा बोलता है ना। तो बस हमें फोकस तो उन पे रखना है जो अच्छा बोल रहे हैं, जो बुरा बोल रहे हैं तो वो फिर हमारे आसपास वाले मतलब अपने बंदे ही बहुत होते हैं, अपना बंदा कोई बोल दिया कि यार तू ये गलत कर रहा है तो बंदा खुद रुक जाएगा, तभी तो वो अपना है ना। तो बस बिल्कुल ही बात है ठीक है। लेकिन भाई क्या हुआ कि उसके बाद वो शॉर्ट्स लिए आपने सबलिमिनल जो भी बोल लो, उसके बाद सारे हिप हॉप जो अपडेट चैनल है सब जगह यू नो नीचे मैं नीचे कमेंट वाले भी देख रहा था, पैटर्न बना दिया पता है। हाँ। पैटर्न बन गया ये कि जहां हल्की सी भी भसड़ की बात किसी के भी इंस्टाग्राम पे या कुछ भी हो गई वो आ रही है। हाँ, उसको बढ़ा दो, उसको उस पे यूट्यूब पे डालते हैं बढ़िया बढ़िया थंबनेल लगा के है ना, और फॉल्स इन्फॉर्मेशन होती है बहुत सारे वो करते हैं हिप हॉप अपडेट चैनल वाले। हाँ देखो थंबनेल पे कुछ और होता है अंदर कुछ और होता है। सही बताऊं पर्सनली मुझे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि सबका काम है, उनका काम वो है उनको करने, तो मेरा काम जो है मैं करता रहूंगा, सिंपल सी बात है ना। तो मेरे को किसी से भी कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को सिर्फ ये कि जो मेरे मन में आ रहा है लिख रहा हूँ मैं, बढ़िया गाने बज रहे हैं, लोगों को पसंद आ रहे हैं, ना पसंद आ रहे होते ना सब बोल देते कि नहीं तो मैं नहीं बनाता भाई, फिर मेरे को लगता कि नहीं ये तो बेकार चीज है करनी नहीं चाहिए। हाँ, देखो आर्टिस्ट की मन की बात है वो तो हम रोक नहीं सकते, तो बिल्कुल हाँ, जो आर्टिस्ट के मन में यू नो रहेगा वो लिखेगा और रिकॉर्ड करेगा बाहर निकलेगा। उसके बाद क्या हुआ कि अभी कुछ स्टोरी डाली थी आपने रफ्तार भैया को लेके, फिर उसके बाद से उन्होंने डाली गाना था रफ्तार का। हाँ एक गाना था आपने उसमें लिखा था, ठीक है मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा यहाँ पर। तो फिर उन्होंने डाला, फिर आपने डाली स्टोरी, फिर माहौल गर्मा गया। तो मेरा देखो ये जानना है मतलब कि ठीक है कि सब चीजें खत्म हो गई है, वाई सो हिट दोनों तरफ से, मतलब इतनी हिट क्यों यार? वो फनी थी उसमें हिट क्या था, मतलब आपने लिखा था उसमें क्या था कि गाना क्या था कुछ? मैंने लिखा था या गाने बना ले। अच्छा उसको नहीं बोला अलग से पर जो भी है पढ़ने में तो चलो लग जाता है। हाँ। बात नहीं, कोई दिक्कत। फिर उन्होंने डाला, फिर आपने डाला, फिर गाना इतना बेकार है भाई गेड़ा गेड़ा। आई डोंट वांट टू डिसरिस्पेक्ट एनी आर्टिस्ट इन दैट सॉन्ग बट स्पेसिफिकली सेइंग रफ्तार वाला वो पार्ट गेड़ा गेड़ा वो मतलब थोड़ा सा क्रिंज हो गया था वहां पे। तो अब एज एन आर्टिस्ट भी अगर मैं देखूँ ना कोई भी गाना सुनता हूँ या कुछ भी होता है तो मुझे भी पता है कि यार हर आर्टिस्ट का ना एक लेवल है, ठीक है, और वो उससे नीचे तो नहीं आएगा। बट आप पर्सनली तो बोल सकते थे ना उनको डीएम करके। मैं क्यों पर्सनली बोलने लगा भाई? हाँ तो तभी तो वहां से चीजें होती है। गाना पसंद आता है यूट्यूब पे। हाँ। तो मैं सीधा शेयर मारता हूँ, उसके बाद मैं आर्टिस्ट से बात करता हूँ, सिंपल सी बात है। हाँ, हम ये करते हैं। हाँ, तो यहाँ तो बात ही खत्म हो चुकी है। हाँ, तो फिर उसके बाद यार देखो सुनो मस्ती सब लेते हैं, मैं अकेला नहीं हूँ, ठीक है, और बल्कि मतलब लेट आया हूँ मस्ती लेने पे इंस्टाग्राम पे। मैं तो इंस्टाग्राम पे इतना एक्टिव भी नहीं रहता था बट अब थोड़ा रहने लगा हूँ, है ना। तो मस्ती सब लेते हैं, होता क्या है कि रिसेंट मस्ती जिसने करी है ना उसके ऊपर बात आती है सारी, होते सब है, कौन नहीं करता, कृष्णा भी करता है, रफ्तार भी खूब पंगे लेता है, मैंने ले लिया तो क्या दिक्कत है। तो वही मैं बोल रहा हूँ ना कि उसके बाद यू नो इतनी हेट, चार चार स्टोरी एक्सचेंज हो गई, दो दो चार चार स्टोरी मेरी तरफ से दो स्टोरीज गई थी, ये गई थी गेड़ा गेड़ा वाली, उसके बाद गई थी कि मिल गया मुझे क्लाउड में आ क्लाउड मिल गया। हाँ सिंपल। उसके बाद बात हुई, रिप्लाई किया हमने मैसेज का? नहीं जरूरत ही नहीं है, क्यों क्यों करना है, बात बढ़ानी होगी तो मैं करूंगा ना यार, मेरे को बात बढ़ानी नहीं है, सिंपल सी बात है। वो मजाक था, मजाक को मजाक की तरह रखो, तुम भी करते हो हम भी करते हैं, सिंपल सी बात है। कोई हिप हॉप मीम पेज अगर कोई पोस्ट बनाता है हमसे रिलेटेड, हम उसकी गिरबान थोड़ी पकड़ लेंगे जाके यार, या हम उसको बोलेंगे थोड़ी कि तू क्यों बना रहा है, वो बना रहा है मस्ती ले रहा है करने दो। हाँ डिपेंड भी करता है ना वो किस तरह का मीम है, अगर कोई ज्यादा डिमीनिंग होगा तो आउट ऑफ द लाइन कोई बंदा गया हुआ है वो एक अलग चीज होती है, मजाक सबका बनता है भाई, अपना बनता है तो लोगों को बुरा लगता है। ठीक है, तो आप सिर्फ मस्ती कर रहे थे इसके अलावा कुछ नहीं था? हाँ। मतलब वो क्योंकि वो ऐसा लगा सामने पॉइंट ऑफ व्यू से कि लोगों को ना भी लग गया है कि हेट्रेड ही है, हेट्रेड ही है। मैं कह रहा हूँ कुछ भी नहीं है, ना प्यार है ना नफरत, कुछ भी नहीं है, ठीक है, कभी कभी का मजाक हो गया, बीच बीच में होता है, हर इंसान करता है, ठीक है, एंड दैट्स जस्ट फॉर फन, वो सिर्फ मजे के लिए है, उसमें कोई ये चीज़ नहीं है कि मेरे को क्या बोलते हैं मुझे दोबारा बीफ करनी है, ऐसा कुछ सीन है। हालांकि मैं तो कह रहा हूँ कर लो, इसको करनी है
बस करो भाई भाई गाने बनाने का काम है ना। हाँ गाने बात ही खत्म हो गई फिर। हाँ, बीफ गाने बनाने से क्यों पीछे हटेंगे। हाँ गाने बनाओ, देखो मैं बोल रहा हूँ कि बीफ के ऊपर में भी आऊंगा, एक सवाल है मेरा तो बाद में पूछूंगा मैं, लेकिन वही मैं बोल रहा हूँ कि ना आपकी बात ना समझ गया कि ना हेट है ना लव है, लेकिन जब वो चीजें बाहर निकलती है तो वो सब उसको एज अ स्प्रेड हेट ही करते हैं जितने भी। यार पता है इस वाले इंसिडेंट के बाद ना थोड़ा सा मेरे को ये चीज हुई थी कि यार मजा तो बहुत आता है अंदर से ये करके, बट ना करो तो भी ठीक है। हाँ, वही। अरे ऐसा तो है नहीं यार कि हर हफ्ते कुछ कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है, कभी कभी होता है मूड बनता है मजाक कर दिया थोड़ा बहुत, आपके लोगों के मजाक भी तो फिर ऐसे होते ना। और पता है क्या, कैरेक्टर्स भी मेरी लाइफ में कम है, गिने चुने हैं, मतलब लोगों के हिसाब से बोल रहा हूँ जिनसे वो राइवलरी रखते हैं ना, कि रफ्तार से राइवलरी है, रागा से राइवलरी है, आर वाले ही हैं सारे, आप नहीं हो ठीक है, तो आर वाले बंदे जो भी है तो उस तरीके से लोगों को लगता है कि इन दो के ऊपर ही बात हो रही है कहीं ना कहीं। हाँ लोग भी वो एक अगर किसी गाने में कुछ है भी अगर ऐसा तो लोग वो अजम्पशन भी लगाते हैं ये उसी के लिए। मुझे पता है क्या लगता है ब्रो, मेरे साथ हुआ है, बहुतों के साथ हुआ होगा, मैंने आवाज उठा दी तो क्या दिक्कत है, सिंपल सी बात है, मेरे को जो लगता है मैं तो लिखूंगा भाई, सिंपल बात है। ठीक है चलो आपकी, अब वो लोगों के ऊपर है यार, वो किसके ऊपर देके आ रहे हैं उस बात को। ठीक है बट कभी फ्यूचर में चीजें और बेटर हो सकती हैं सॉर्ट ऑफ, किस टर्म्स में, दोनों तरफ से यार क्या क्या होगी, मतलब इतना कीचड़ फैला हुआ है पहले है ना, वो क्या होगा, मतलब वो पता है कैसे वाली बातचीत है, देखो मेरे को कोई दिक्कत नहीं अगर वो इंसान मेरे सामने बैठा होगा, मैं कुछ मैं बिल्कुल नॉर्मल होऊंगा ठीक है, मैं अपना आराम से बैठा हूँ, ना वो पंगे ले ना मैं पंगे लूँ, सिंपल सी बात है ठीक है, यही होता है ना एथिक्स क्या होते हैं, आप कहीं पे बैठे हो आपकी प्रोफेशनल राइवलरी ठीक है, बट आप जब सामने बैठते हो तो नॉर्मल होता है सब कुछ, तो वही है, मैं इतना ज़्यादा इस पर सोचता नहीं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, इसको सॉर्ट करना है नहीं करना है, मेरे पास और भी सारी चीज़ें अभी चल रही हैं ठीक है अभी देखो। और मेरे को पता है सबसे खतरनाक बात क्या लगी, इतने सारे रोमांटिक गाने आए एकदम से, जल्दी आओ आया या बकरी आया ठीक है, आप उसके नंबर्स देख लो, लोगों का रिस्पांस देख लो, लोगों का अटेंशन देख लो उस कंटेंट पे, लोगों का वो बढ़ जाता है अपने आप। हाँ मेरा भी वही सवाल था, अगला सवाल वही था कि जब भी कोई ऐसे लव वाली चीज होती है लोग अवॉइड कर देते हैं, पर जब भी ऐसे हेट वाली चीज होती है स्पेशली हिप हॉप सीन में, डिस की बात करें बीफ की बात करें तो लोग ऐसे पागल हो जाते हैं। मेरे को पता है लोगों को ये लगता है कि यार बात ना इतनी ना बढ़ जाए कि ये स्ट्रीट्स पे आ जाए, बट देखो मैं बहुत पहले से स्टार्टिंग से चीज क्लियर कर चुका हूँ कि मैं कोई गैंगस्टर नहीं हूँ ठीक है, ट्रैक पे बीट की लेना ये करना वो करना हर बंदा बोलता ही है ठीक है, मैंने भी एक टाइम तक बोली है, अब मैं अलग तरीके से अपनी बात रखता हूँ ये जो भी सारी चीज़ है, तो कॉम्पिटेटिव वैसे ही है यार जॉनरा, मस्ती में करो ना, मैं तो ये कहता हूँ कि ऐसा होना चाहिए हर साल में एक रैपर उठ के कॉल आउट कर रहा है सबको इन अ गुड वे, पॉजिटिव ऑब्वियसली ब्रो ऑब्वियसली, देखो यार गाने में तो हर बंदे को बेस्ट दिखाना है खुद को ठीक है, सही बात, तो वो तो हर बंदा करेगा ही है ना, अब चाहे तुम किसी को किसी का मजाक उड़ा के किसी पर टॉन्ट करके कर रहे हो तो वो एक अलग चीज है, अगर आप नॉर्मली अपने आप को ही बेस्ट बताया जा रहे हो, और मेरा यार वो स्टेज है ही नहीं भाई, मैं कर रहा हूँ कब से आपको पता ही है, तो मेरे को वो मैं करने की जरूरत ही नहीं है, मैं सिर्फ ये बोलता हूँ कि मेरे को ये लगता है अपने का है ना, मैं अपनी सोच बताता हूँ बस, आपके मन की बात है आप उसे बाहर निकाल देते हो, चाहे आप इंस्टाग्राम आके मस्ती करो चीजें हो जाती है वो आप अपने, मतलब मैं कह रहा हूँ मैं खुश हूँ सब कर रहे हैं, एक बार मैंने करके देख लिया अब मेरे को समझ आया ठीक है यार, मतलब लोगों से मजाक नहीं जलता, सिंपल सी बात है, नहीं जलता तो कोई बात नहीं ठीक है, नहीं करेंगे ठीक है अगले समझ आग नहीं करेंगे, लेकिन भाई ये हेट वाला सीन क्या यार, ये हिप हॉप में मतलब इंडियन हिप हॉप सीन की बात करते हैं, डिस और बीफ यू नो हेट एकदम से लोग फैला देते हैं, और लव सॉन्ग जैसे हम बात करते हैं उसका क्या सोल्यूशन है, उसका कुछ एज एन आर्टिस्ट आप क्या सोचते हो, क्योंकि लव सॉन्ग जब आपने बनाए लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्स भी दिया। भाई मेरे पास सोल्यूशन होता तो मैं कर चुका होता, अगर मेरे पास कोई सोल्यूशन होता इस चीज का, तो बात पता है क्या, बहुत सारे लोग हैं, चार दोस्त नहीं है जिनको सुधारना है, बहुत सारे लोग हैं, और आप किसी के घर पे जाके या किसी के कान में बैठ के नहीं बोल सकते, समझा नहीं सकते, दिमाग में बातें फीड नहीं कर सकते है ना, मेन चीज ये है कि स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिविटी अगर आपको नहीं पसंद इस तरीके की चीज़ है, इतना सपोर्ट अगर वो आपके लव सॉन्ग्स को करते तो कहाँ रीच जाती यार, मेरे को मजा, सही बताऊँ मेरे को मजा ज्यादा इसमें आता है कि मैं क्या बोलते हैं लव सॉन्ग्स हो गए या फिर उस तरीके की चीजें बनाऊँ जो लोगों को एक बार में समझ आती है और जो जिससे वो रिलेट कर पाते हैं और ज्यादा, जो रैप है ना सिर्फ अपने चुल मिटाने के लिए करता है बंदा कि हाँ मेरी स्किल्स अपडेटेड रहनी चाहिए मैं करता रहूंगा, सिंपल। वो गाने फायदे भी करते हैं ना क्योंकि उन गानों को इजीली रेडियो प्लेस मिल जाते हैं, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे भी अच्छा करते हैं, डिस क्योंकि रेडियो आसानी से बहुत चीजें मिल जाती हैं ठीक है, मुश्किल से जो चीज मिलती है ना उसका मजा अलग है,
तो समझ गया ना। तो मेरे को सही में सही बताऊं यार, एक टाइम होता है बंदे का ना सैचुरेशन पॉइंट ऐसा होता है कि जो मर्जी बोलो जो मर्जी करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी क्या आपके जो मन में दिल में आप क्या यू नो कितने स्ट्रांग हो चुके हो, क्योंकि आप देखो मेरी लाइफ में ना कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है शायद उसी उस पे बारे में पूछ रहे हो आप। हाँ, क्योंकि इतने सारे यू नो बीफ से आप डिस सब निकल चुके हो, ठीक है ना। तो अब यू नो आपने कितना स्ट्रांग करा अपने आपको, मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर कुछ भी होता है इधर उधर। मेरे को सिर्फ ये लगता है मुझे मेरी सुननी चाहिए और किसी की नहीं सुननी चाहिए, सिंपल। तो मेकिंग अ डिसीजन शुड बी माय मतलब माय टेक, हाँ, कि कोई भी अगर डिसीजन है तो मेरे हिसाब से होना जरूरी है, नहीं होगा तो मुझे ही दिक्कत होगी, फिर मैं दूसरे बंदों को बोलूंगा गलत करवा दिया, है ना। तो इससे बढ़िया कि खुद ही रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो। तो बीफ से तो खैर क्या सीखने को मिलना था, बीफ से सिर्फ ये समझ आता है कि आपको कि आप नेगेटिविटी से मतलब नेगेटिविटी की सिचुएशन पॉइंट पर कैसे आओगे आप, है ना, कि आपको फर्क नहीं पड़ेगा उसके बाद। अब कोई जैसे मान लो कि कोई भी बंदा नीचे हेट कमेंट में कुछ भी गाली लिख रहा है, कुछ भी लिख रहा है, ठीक है, किसको फर्क पड़ रहा है यार, जो मजे लेने वाले वो आपस बात करते हुए गाली दे रहा है ये कर रहा है, फिर वो लड़ने आ जाएंगे अपने आर्टिस्ट, उनकी कन्वर्सेशन चल रही होती है। हाँ, विच इज गुड आल्सो कि आप अपने आर्टिस्ट को डिफेंड कर रहे हो और आप कनेक्टेड हो अपने आर्टिस्ट से, है ना, बट ओवर कनेक्टेड भी थोड़ा सा गलत है। तो वही सीन है, ठीक है। तो मतलब आपने आपका डिसीजन है कि भाई मैं अपना को स्ट्रांग करेगा, मैं लूंगा फाइनल डिसीजन, मुझे जो करना होगा। वैसे तो मैं ना बहुत चिल और पीस वाला बंदा हूं, बट ना मेरा दिमाग बहुत खराब किया दुनिया में, लोगों ने मेरा बहुत मत्था खराब किया। मैं बहुत सीधा रहा हूँ ब्रो लोगों के साथ ना, मतलब आर्टिस्ट नहीं है नॉर्मल भाई, मैं बंदा ही एक, देखो सुनो, ये गौरव मूफाड़ महाराज ये ठीक है मजे के लिए सारी चीजें ठीक है, ठीक है, सब क्या है, एमिनम का भी है यार, सब एमिनम फक देगा क्या कि कौन स्लिम शेडी बोल रहा है, कौन बोल रहा है। तो जो इंसान है ना यहाँ, ये तो एक ही है, दिमाग तो एक ही है, करने वाला तो एक ही है। तो मैं ना अंदर से बहुत शांत इंसान हूँ और मुझे ना फरेब झूठ ये समझ नहीं आता, तो कोई बोलता है या देता है ना मेरे को सामने से ऐसी चीज, तो फिर वो कैसे बताऊं, मतलब मैं उसके लिए चाहे कुछ बुरा करूं ना करूं उसको साथ नहीं रखूं, काट दूं। हाँ, मतलब आपको समझ आएगी वो, या जैसे होता ना कि आप नेगेटिव इंसान है, नेगेटिविटी को अपने अराउंड है, मैं नहीं कर रहा तो तू क्यों कर रहा है, जरूरत है क्या मैं तेरे को हार्म करने के लिए आऊं, तो तू अपना आर्मर ऊपर कर। मैं जब हार्म ही नहीं कर रहा कुछ, मजे कर रहा हूँ सिर्फ अपने, ठीक है, तो क्या दिक्कत है। अब वो ये कि उस काइंडनेस को लोग थोड़ा सोचते हैं कि मतलब इस तरीके से ले जाते हैं कि ऐसी है ये, ले लो मजे या कुछ। अच्छा, बहुत ही लाइटली। हाँ, क्योंकि देखो उससे पहले भी जैसे जब क्या बोलते हैं, जब रागा वाला सीन हुआ था तब तो इतनी बड़ी कुछ बीफ नहीं बनी थी ना, हिप हॉप इतना बड़ा हुआ था उस टाइम पे, है ना, ठीक है। तो उस टाइम पे भी मैंने कोई बात नहीं बढ़ाई, कुछ अलग से वो नहीं किया, एक गाना आया उसका भी आया, उसके भी जो भी गाने हैं, ठीक है। तो उसके बाद अब वाला देखो, अब वाले में लोगों को मेरी इमेज लगती है कि मारने वाला बीफ वाला रैपर है, बैटल वाला रैपर है, ये तो ये करेगा, ये तो वो करेगा। हूँ वो भी, बट दूसरा भी हूँ, ठीक है। तो मेरी थोड़ी सी ये चीज रहती है कि इमोशन समझो। हाँ, आर्टिस्ट के डिफरेंट इमोशन होते हैं उस टाइम पे, क्या इंसान ही तो है यार, क्या है, हार्डवेयर थोड़ी है। और जो आपने बात नहीं की थी थोड़ी देर पहले, गौरव मूफाड़ी करके, जो चाचा है वही भतीजा है, जो भतीजा है वही चाचा, गंगाधरी शक्तिमान है। हाँ, ठीक है भाई। तो मतलब मुझे लगता है कि भी बहुत सारी चीजें आपके मन में चल रही है जो धीरे धीरे उस पर आप यू नो। हाँ देखो, जैसे बात छिड़ती है इन चीजों की तो फिर तो बहुत सारी चीजें आती है दिमाग में कि ये भी है वो भी है, इसलिए मैं थोड़ा सोच के ही। कंट्रोल कैसे करते हो अपने माइंड को? भाई मेरे को गुस्सा कंट्रोल करना पड़ता है। कैसे करते हो? मुश्किल है मेरे लिए बात। मेरा देखो यार ये होता है, मैं काम कर रहा होता हूँ ना, तो कई बार होता है कि माइक मेरा थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, 5-6 महीने होने वाले हैं और मैं भी थोड़ा सा केयरलेस हूँ, उसको ठीक नहीं कराया, जुगाड़ से चला रहा हूँ, ठीक है। तो होता क्या है कि अब काम करते करते कुछ सिस्टम ओवरलोड मार गया या कुछ भी सीन हुआ ना, और आप इतनी फील में होते हो ना उस टाइम कि आपके आसपास कतरा भी लेगा ना आपको इरिटेशन हो जाएगी, क्योंकि आप जोन में होते हो उस टाइम। तो ऐसे में मैंने अपना लैपटॉप फेंका है, अपना माइक पे मुक्के मारे हैं भाई साहब। हाँ मतलब करना नहीं भाई, कोई भी मत करना ये सोच के कि अग्रेशन निकलेगा, ये मैं बता रहा हूँ कि मेरे साथ हो चुकी है ऐसी चीज़ें। 10 मिनट बाद आपको बताता है कि आपने क्या करा है। हाँ मतलब नुकसान तो नहीं हुआ, देखो सही बोलूं तो नुकसान नहीं हुआ, बट ये होता है कि गुस्सा निकल जाता है, चीज है, कुछ बोल नहीं सकती ना, पलट के मारो, क्रोध को पालना सीख। बट मेरा मेरा मेरे साथ थोड़ा सा साइकोपैथ वाला सीन है, मुझे ऐसा लगता है लड़ाई एक बार होनी चाहिए और आर पार होनी चाहिए, खत्म। ये नहीं कि पहले वो बंदे लाया फिर वो बंदे लाया, एक बार में एक रूम में बंद हो जाओ और खत्म करो,
किस मतलब किस से बोल रहे? जिसको लड़ना है भाई, जो गैंगस्टर है करो ना, गैंगस्टर हो तो अच्छे से गैंगस्टर बनो, सिंपल। समझ गया, वैसे दूर रहो इन सब चीजों से, कुछ नहीं रखा, म्यूजिक बनाओ बढ़िया, जो 12 नोट है ना बहुत सुंदर होते हैं, ध्यान से सुनोगे तो दिमाग ठीक हो जाएगा। सही भाई, सही, बढ़िया भाई। मतलब चीजों पर मुझे तक जैसा आपने बताया कि क्रोध को कंट्रोल करो, बाकी सब चीजें छोड़ो। गुस्सा अच्छा नहीं है किसी के लिए भी, आता सबको है, आता सबको है, निकाल देगा। इट्स गुड यू नो कि आपके डिफरेंट जो आर्टिस्ट के इमोशंस होते हैं वो गानों में निकल रहे हैं, लव हो गया इमोशंस, और भी जो इमोशंस है वो गानों में निकल रहे हैं, लोग सुन रहे हैं, यू नो पीपल आर एंजॉयिंग। अभी राघव भाई की बात करते हैं, राघव भाई का बर्थडे था, आपने विश किया, नहीं अच्छा लगा, मैंने देखा मैं कैमरा पे, दोबारा विश कर देता अगर अभी होता उसका बर्थडे। मेरे को यार उस बंदे से सही में कोई वो नहीं है यार, लोगों ने ना और बढ़ा दिया उसको। हाँ वो अभी मुझे देखा मैंने कि नो बर्थडे विश करा, यू नो मुझे अच्छा लगा कि यू नो इट्स अ न्यू शुरुआत। और मैं भले ही मिले हैं बट हम जानते नहीं एक दूसरे को, सिंपल सी बात है। और जब तक आप किसी को जानते नहीं हो ना तो फिर दूर की अजम्पशंस होती हैं, और ऊपर से हो भी सेम फील्ड के तो लोग उधर से बातें करेंगे, उधर से करेंगे, तो वही है कि उतना टाइम उस तरीके से हमने साथ में नहीं कभी नहीं बैठे हैं, जो कि मैं चाहता हूँ कि कभी इन फ्यूचर हो ना हो जाए भाई, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। सही है ना, अगर मुझे पता लगता है कि राघव किसी टाउन में है और मैं भी वहीं हूँ तो आई डेफिनेटली कॉल, हमेशा करता हूँ। स्टोरी देखी थी कौन सी बर्थडे विश वाली? मैं नहीं चेक करता ब्रो कि कौन देख रहा है कौन। अच्छा नहीं, मुझे लगा कि आप ना ना ये सब करने लगूंगा तो। हाँ वही पूछा, मैं जनरली पूछा। अब और पता है क्या है, उसका रीजन भी है कि कौन देखेगा 35-40 हज़ार लोग में से एक को ढूंढना, कौन करेगा भाई मेरे पास से नहीं है। बट हाँ ये यू नो अच्छी शुरुआत थी कि बट मेरी तरफ से मैं सबको बोल रहा हूँ ये चीज़ कि राघव और मेरे बीच में जो भी सारी चीज़ें पहले रही हैं ठीक है, जो हुआ सो हुआ, हम दोनों को ही, मेरे को तो एटलीस्ट, मुझे अपना अपनी साइड से बोल रहा हूँ, मुझे पता है कि ये राइवलरी नहीं है, ये सिर्फ मिसकम्युनिकेशन है, मिसकंसेप्शन है एक दूसरे की परसोनास को लेके, ठीक है, जो कि क्लियर हो जाएगी इन फ्यूचर कहीं ना कहीं। सही है भाई, सही टाइम पे सही चीजें क्लियर हो जाएंगी। हाँ, और जरूरी हाँ, भी। हाँ ठीक है भाई, एक चीज मैंने नोटिस करी आपकी लाइफ में, दो चीजें आपका पीछा नहीं छोड़ रही, तो अच्छा म्यूजिक जो आप बनाते हो अच्छी बात है, दूसरा कॉन्ट्रोवर्सीज। आपके पुराने वीडियोस अभी वापस से रीअपलोड हो रहे हैं, अब पता नहीं कौन है उनके पीछे, मैंने देखा कि एक आपका लाइव सेशन था, करके छोड़ दो आगे जाके खुद निकल जाता है, सिंपल। एक लाइव सेशन था जिसमें आपने आई थिंक जेहिंद को डिस मारा था, ऐसा कुछ था, देखा था पहले का था। कितना पुराना वीडियो यार, ऐसे नहीं याद मेरे को कितने टाइम पुरानी है, बट वो इतना पता है कि किसी ने YouTube की क्लिप निकाल के डाली है वो, तो मैं कभी YouTube पे पता नहीं, शायद Instagram की हो, क्या पता पुरानी है बहुत। और मेरी हेल्थ थी उसमें शायद ठीक, हाँ पता नहीं क्यों मेरे को ऐसा, मैंने ध्यान से नहीं देखी अभी तक, मेरे को सिर्फ ग्लांस है दिमाग में, तो वो तो उस टाइम भसड़ थी, बहुत सारी चीज़ें थी जो चल रही थी ना, ठीक है। और मैं ये देखता था जैसे अभी क्या बोलते हैं, जैसे जय हिंद है ठीक है, आई रिस्पेक्ट एज एन आर्टिस्ट, कोई दिक्कत नहीं है, आपका काम अच्छा है, आप सब चीज़ करो ठीक है। उनकी इमेज मेरे तक आ रही थी लोगों के थ्रू बहुत गलत, अरे तो, और ऊपर से फिर मैंने भी जितना देखने की कोशिश करी तो मेरे को लगा यार क्या कर रहा है बंदा, क्यों कर रहा है, लाइक हु गेव यू दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी कि यू आर द प्रेजिडेंट ऑफ दिस हिप हॉप, किसने दी, किसने बनाया, कहाँ हुआ इलेक्शन, किसने वोट डाला, समझ गया, सिंपल। मैं हाँ, मतलब और यार देखो हर इमर्जिंग रैपर वी आर लाइक हम गर्म खून होते ही हैं कि इन टर्म्स ऑफ कम्पीटिंग है ना कि मेरी आर्ट तेरे से बहुत ज्यादा बेटर है ब्रो, आई कैन डू दैट, तू कर भी नहीं, तू सोच भी नहीं सकता, वो वाला एक जो स्पिरिट होती है ना मैं उसके साथ ही चला हूं। तो मैंने कहा प्रेजिडेंट किस बात का, कहाँ है, वेर आर द स्किल्स एंड वेर आर दोज थिंग्स, तो मेरी सोच थी उस टाइम, मैंने उस पर लिखा था। लोग नहीं है जो ऐसी बातें कर रहे हैं, ग्रेट। मेरे आसपास अभी एक सर पे डंडा होता है सिद्धार्थ वाला, डेडलाइन है, करो 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 ये करो, वो काम हो गया अपना, मस्ती के लिए ऋत्विक है अभी आया मुंबई से, ठीक है, तो वही है, काम करो, मस्ती करो, सो जाओ, खाओ पियो, ठीक है भाई। जैसा आप बोल रहे हो कि ना, मौज मस्ती करो, चिल करो, गाने करो, जो भी चीजें आ रही है उन पे मिट्टी डालो, गुड एंड पीसफुल, सही, डोंट लिसन टू अदर्स। इससे पहले और भी कंट्रोवर्सीज हुई आपकी, वो हिंदुस्तानी बाहुबली, वो सब चीजों का रिप्लाई अब आपने इस पर, हिंदुस्तानी बाहुबली सीन, हाँ मेरे को स्टोरी वगैरह कोई बताई की सीन है, कुछ डाला हुआ था ना गाली वाली लिख के, तो मेरे को तो मैं तो दीपक कलाल, अब ये नया आया है जोगिंदर, ठीक है, ये जो भी लोग है ना, जब मेरे पास बहुत वेला टाइम होता है ना, जब मुझे ऐसे होता है कि आज मस्ती ही चलेगी सिर्फ, और कुछ ऐसा देखूंगा कि
दुनिया कितनी वो है पता लगे तो मैं देखता हूँ लोग, और वो भगचौदी है और क्या है वो जो करते हैं आपस में, है ना। तो हिंदुस्तानी भाव का जब ये सीन हुआ तो मेरे को दिमाग में ये था कि यार ये बंदा जो है ठीक है अपनी लाइफ में जो भी कर रहा है मुझे कोई लेना देना नहीं है, ना मैं जानता ना मैं कभी मिला, मुझसे रिलेटेड कुछ भी कैसे पोस्ट कर सकता है। फैक्ट, अगर आप खुद एक नोन फेस हो या फिर लोग आपको जानते हैं तो आप किसी के बारे में कुछ भी ऐसे ही मत बोलो जब तक आपने कुछ एक्सपीरियंस ना किया। और आप लॉ भी नहीं हो ना है? और आप लॉ भी थोड़ी हो जनरली बता। हाँ ठीक है, लॉ तो बने तोड़ने के लिए लोगों के हिसाब से। तो फिर उसको आपने उस पर रिप्लाई करा, देखो लॉ को तोड़ता कौन है? कॉमन मैन। पावर, पावर लॉ को तोड़ती है पावर, पावर। तो वही सीन है, और पावर वाले जो लोग हैं वो चला रहे हैं ऊपर से कठपुतली की तरह नाचो गए। आई थिंक हिंदुस्तानी भाव तक को मैसेज पहुंचा पता कुछ? मुझे नहीं पता यार। हाँ, मैं तो ये चाह रहा था बल्कि के वो गाना आया था ना पहली फुर्सत में निकल। हाँ, उनको वो सुनना सीखा था भाई फालतू में। भाई देख रहे हो तो सुन लेना, बढ़िया गाना है। ठीक है, अरे दीपक कलाल ने जो मेल किया था वो क्या था यार? वो डाला था आपने यार? वो ना क्या सुनी एक्चुअली, दीपक कलाल नाम तो लिखा हुआ था ठीक है, और फनी भी उतना ही था जैसे दीपक कलाल बात करता है, बट वो मेल कहीं और से किसी और का फ्रॉड मेल होगा, फ्रॉड था। बट वो ना लिखा हुआ इतना सही था, मैंने कहा ये तो दिखाऊंगा मैं लोगों को, ऐसे ऐसे आया मूंगफली। बहुत फनी, रैपर से ज्यादा फनी है ब्रो ये नाम, जो रैपर रखते हैं उससे ज्यादा फनी नाम है मूंगफली। तो आपको फनी है। खाली टाइम पे और क्या चल रहा है अभी भाई? अभी किस खतरनाक बंदे को देख रहे हो? जैसे बोला आपने तीन एग्जांपल दिए थे अभी। अभी नहीं, ये तो वेले टाइम वाले लोग हैं। हाँ, कि वेले टाइम में कभी दिख गई क्लिप दोस्तों के साथ बैठ के देख ली थोड़ी। हाँ, ना तो वैसे जिन लोगों को मैं लुकअप करता हूँ ना। हाँ, वो है मोस्टली जो टेक्निकल वर्क में ज्यादा है, जैसे कि ओजी प्रोड्यूसर्स हो गए ना ब्रो, जो एक हाथ में जॉइंट होता है और एक हाथ से बज रहा है पूरी मेलेडी, पूरा कीबोर्ड एक हाथ से नापे, दारू पी रहे हैं बीट। इट्स नॉट अबाउट कि वो फूक के कर रहे हैं, वो बात नहीं है। ईज, ईज, एक्सपीरियंस, हैविंग फन, ये भी गलत नहीं है, ये भी गलत नहीं है, सिंपल। ज्यादा कर लो तो सब गलत है। कौन कौन है भाई? स्कॉट स्टार्स, वो तो लेजेंड है भाई। बस वो एक ही है, एक को फॉलो करो, ढंग से करो, सभी कहीं पहुंचोगे। वो सीन है। ठीक है, अभी ज्यादा काम किस पे कर रहे हो आप अपने? क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि प्रोडक्शन तो आपके, देयर आर डिफरेंट बीट प्रोड्यूसर्स आप मोस्टली। हाँ, मैं थोड़ा एक्सपेंड कर रहा हूँ ना, मतलब मेरे को भी थोड़ा सा, सात हाथ नहीं है, आठ हाथ नहीं है मेरे, है ना। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि दिमाग को सही जगह पे लगा के जो एनर्जीज वाला, जो काम दूसरे बंदे कर सकते हैं उनको दो, है ना। बस वो थोड़ा सा चूजी वाला सीन हो जाता है मेरे साथ, क्योंकि मैं खुद बनाता हूँ। अगर मैं खुद ना बनाता होता तो मैं शायद 10 और बीट प्रोड्यूसर के साथ अभी तक काम कर चुका होता ऑलरेडी, है ना। हाँ, तो वही है, सबकी वाइब अलग है। अब जो 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 ज़्यादातर बीट्स मैं सुन रहा हूँ ना, जो लोग बनाते हैं, वो यूट्यूब पर मिल जाती है मेरे को, मैं खरीद के कर लूँगा। ओके, जो ज्यादातर लोग बना रहे हैं, तो मुझे क्या प्रोड्यूसर में दिखता है कि म्यूजिक की सेंस होनी चाहिए और डिफरेंट। हाँ, और मेरी वाइब है ऑर्केस्ट्रल, ठीक है, ऑर्केस्ट्रल वाइब है मेरी कि नगाड़े ढोल सब बजेंगे, जितने ग्रैंड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ना, जो हमारे इंडिया की रूट से जुड़े हुए हैं। तो मेरा सा, मेरा थोड़ा सा वैसा सीन रहता है कि वैसे बीट प्रोड्यूसर मेरे को बहुत सही लगते हैं। जैसे अभी रीफिक्स का ये जब बीट आई थी ना मेरे पास, तो उसमें एक ट्रम्पेट का हल्का सा सेक्शन है जो थोड़ा सा डिसोनेंट साउंड करता है, बट वो गाने में इतना सही फिट होके आता है कि वो लगेगा ही नहीं डिसोनेंट है। डिसोनेंट बेसिकली स्केल वेल सब चीज सही है, उसके बाद भी कुछ नोट्स एक्सीडेंटल ऐसे लगते हैं, और उसकी हल्की सी फ्रीक्वेंसी ऊपर नीचे होती है, वो डिसोनेंट साउंड करता है। थोड़ा क्लियर कर दो भाई, लोगों को बताना भी जरूरी है, बताना जरूरी है। और आई थिंक आपने बताया ना कि मुझे किस तरह का म्यूजिक पसंद है, उसमें क्या क्या चीज चाहिए। जितने भी यंग प्रोड्यूसर्स है वो भाई को बीट्स भेज सकते हैं, कौन से? हाँ हाँ बिल्कुल, ऑफिशियल मुफाड़, ऑफिशियल मुफाड़ पे भेजो, alanrecords@gmail कहीं पे भी भेजो, भेजो बिल्कुल, वो मैं डाल दूंगा नीचे, आप प्लीज भेजें। आई थिंक क्योंकि जैसा आपने बोला कि यू नो प्रोड्यूसर्स का ज्यादा से ज्यादा काम कर रहे हो, क्योंकि आप खुद भी प्रोड्यूस करते हो बीट्स, तो मुझे लगता है कि डिफरेंट प्रोड्यूसर्स और आएंगे तो एक अलग चीज निकल के आएंगे। यस यस यस। अभी कुछ टाइम पहले आप राइड पे गए थे हर्षित भाई के साथ। हाँ, उसके बाद ही बवाल मच गया भाई। आप कुछ भी स्टोरी डालते हो कुछ ना कुछ बवाल कंट्रोवर्सी हो जाती है। क्या बात हुई भाई, भाई से मतलब इंस्टाग्राम छोड़ भी तो नहीं सकता ना। हाँ, वेरीफाइड भी तो है ना। और अच्छे फॉलोवर्स भी, कौन छोड़ेगा? नहीं, वो बात नहीं है, धंधा भी तो वहीं से आता है। ब्रांड बहुत पीसफुल है भाई। हाँ, वैसे देखे मेरे लिए बहुत पीसफुल है, कोई और बंदा नया प्रोफाइल बना लो, कुछ भी करो, काम चलाना है तो। बट ठीक है, अभी तरीका ये है काम करने का, तो ऐसे ही कर लेंगे इंस्टाग्राम वाले से। आप क्या पूछ रहे थे? क्या इंस्टाग्राम से रिलेटेड? हाँ, मतलब वो
मतलब स्टोरी डाली अपने हरजस भाई के साथ, तो मिले, क्या सीन हुआ, क्या बातचीत हुई, जस्ट वांट टू नो। हरजस आया हुआ था टैटू कराने, तो मेरा ये जो टैटू है दिल्ली टैटू स्टूडियो करके है, तो धवन भाई, दिव्यांशु भाई, हाँ दिव्यांशु, अच्छा वहीं से कराया, वहीं से करा था। तो आया हुआ था हरजस, उसका मैसेज आया मेरे पास कि ऐसे ऐसे यहाँ पे हूँ मैं, वो तो मैंने बोला, मैंने कहा, मैं भी फ्री था उस टाइम, मैंने बोला हाँ ठीक है मिलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे को क्या लग रहा था, हरजस यहाँ बैठा होता तो और मजा आता। तो वैसे मेरा आइडिया यही था, अच्छा कि यू नो ये मेरे लिए सरप्राइज हो जाता तुम्हारा आइडिया। हाँ मतलब मेरा बात भी चल रही है हरजस भाई से भी, मे बी इन फ्यूचर होगा जरूर, यू नो हरजस भाई, मुफाड़ भाई एक पॉडकास्ट में, हैशटैग सुला जोन्स करो ना भाई, बिल्कुल करो, ये भी कुछ करो। हाँ फिर आप बता दो स्टोरी। हाँ तो मैं ना निकलने से पहले मेरे दिमाग में आ रहा कि तीसरी बार हो रहा है कि दो बार ऐसे सीन हो चुका है कि हरजस से इधर उधर हो गया थोड़ा, है ना, जैसे बोलते हैं हाथ से निकल गया, तो वैसे कि भाईचारे में, है ना। तो दूसरी बार होता, मैं मेरे दिमाग में ना ऐसे था अंदर से कि बिल्कुल भी फक नहीं देना मैंने, और रिकॉर्ड करना, हाँ वॉइस नोट ऑन करना, ये पूछा था, ये भी माइंड में नहीं नहीं ब्रो। तो मेरे दिमाग में था कि इसको बिल्कुल फक नहीं देना है, क्योंकि ये ना बहुत मेरे प्यार का फायदा उठाता है। अच्छा हाँ, अब मैं उससे मिला, मेरा सारा वो साइड हो गया, पहले ही देखते ही उसको। क्या बातचीत हुई? कुछ नहीं, मस्ती मारी हमने बढ़िया, अपना बैठे स्टूडियो में, काफी टाइम बाद हम बैठे थे और खूब लंबी बात हुई हमारी रात भर बैठे, फिर थोड़ा सा बाहर निकल गए ड्राइव पे चाय पीने। हाँ तो इस तरीके से वो भी देख लो, क्योंकि अच्छी चीज हुई है, लोग अब लोगों से वही बर्दाश्त नहीं होता, फिर लोग वो स्निच बोलने लगे, मैंने देखा था पोस्ट के। और ब्रो ये चीज है कि अभी तो हरजस इज डूइंग वेरी गुड, है ना, खतरनाक है ना, इवन राग एंड एवरीबॉडी डूइंग वेरी गुड। तो हरजस और मेरा डुओ जो है ना ब्रो, वो आतंक है। हाँ अगर हम जिस गाने में आएंगे ना, और जितनी बार आएंगे उतनी बार फटेंगे। हम क्लब में गए कोई रोके टोके ना, याद है भाई, आज भी रेडियो में प्ले करता था, मुझे याद है कि वन ऑफ द फाइनेस्ट। और हमें ना मजा आता है दूसरे के साथ काम कर, हम कॉम्प्लीमेंट करते हैं गाने पे, हमारे साथ वो वाला सीन नहीं है कि टोन अच्छी नहीं लग रही या कुछ भी ऐसी चीज के गाने के साथ नहीं जा पा रही, वो वाइब नहीं आ रही, जो मर्जी मूड दो हरजस को, रोमांटिक दो कुछ भी दो, वो भी करता है, मैं भी करता हूँ, तो हमारे साथ एक वो आर्टिस्टिक कनेक्शन है उस तरीके से, कैपेबल है दोनों। ग्रेट भाई, मतलब मेरे को तो बहुत अच्छा लगा कि ना दोनों भाई मिले और फिर से कुछ चीज होंगी, हो रही है। मैं तो कह रहा हूँ मिलते रहे लोग भाई, जिनको जो लिखे हो ना किस्मत में के रहेंगे फॉरएवर, तो वो लोग मिलते रहे, क्या दिक्कत है मुझे, मैं होता हूँ मतलब रोकने वाला किसी को, जो हो रहा है वो होता रहेगा भाई, है ना, वो हाँ वो तो देखो कोई रोक नहीं सकता, बट फ्यूचर में चीजें हो रही है मतलब हरजस के साथ। हाँ, अरे ऐसे थोड़ी बताएंगे, इसके लिए अलग फुटेज लगेगी। चलो ठीक है, अलग कुछ टाइम पे कुछ ना कुछ हम जरूर करेंगे। ऑल द बेस्ट भाई की मतलब चीजें आए, लोग देखें कि यू नो, अब मुझे तो लोगों को ना अच्छा, देखो ये मैं अभी बोल सकता हूँ कि जब हरजस और मेरा आएगा तो लोग एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कुछ और चीज। हाँ और वो फॉर अ रीजन करेंगे, बट ठीक है, गाना जब आएगा उसके बारे में बता देंगे कि इस बारे में गाना, क्योंकि अभी हरजस और मैं भी एक कॉन्सेप्ट पे बैठे थे हम, उसी टाइम हमने थोड़ा डिस्कस किया था, तो वो कॉन्सेप्ट ही ऐसा है कि वो दुनिया की बात है, अपने बना ले, यूनिवर्स की बात है वो, है ना, दुनिया के ऊपर है वो चीज़, तो कोई भी इंसान अपने ऊपर ना ले, या अब नहीं उसमें खैर कोई लेगा भी नहीं, क्योंकि हम दोनों ने ना आपस में ये चीज़ डिसाइड करी कि यार हम कुछ भी लिखेंगे ना, जहाँ पे किसी एक लाइन में कोई ऊपर अगर कोई नीचे दिख रहा है ना, तो लोग स्पेसिफिक बंदों पे लेके जाएंगे, तो हमारा ये है कि इस गाने में नहीं करना हमें, पॉजिटिव होगा पूरा गाना, पूरा गाना पॉजिटिव, गुड भाई, उसके बाद भी किसी को बुरा लग जाए तो फिर गलत बात, फिर आप मरहम नहीं लगा सकते ना ज्यादातर भाई, हमने थोड़ी कहा था वही है, बट मुझे लगता है कि लोगों को ना ये हजम कर लेना चाहिए अब कि जैसे हिप हॉप में बीफ होती है, डिस होते हैं, तो वैसे अगर सुलह हो रही है तो उसको भी यू नो अच्छे नोट में और वेलकम करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। हरजस की बात याद आई, कोई मेरा बर्थडे था, अभी तो आए थे शायद, पंजाबी बात, है ना, हरजस को एंटर किया वो, मैंने बियर ली, याद है मेरी आदत है यार, मैं यारों का यार हूँ भाई, मैं जिसके साथ दोस्त हूँ ना तो फिर मैं वैसे ही रहता हूँ, अब जो लोग नहीं बन पाते वो अलग सीन है, बट जिनके साथ मैं हूँ वो बहुत सही बनते हैं और सब मेरे लिए भी ठीक है, किसी को मुझसे कोई दिक्कत होती है मुँह पे बोल देते हैं भाई, पीठ पीछे वाली बात नहीं है, क्या अरे तक पता उसने ऐसे किया, नो पिके फिंगर, मुझे लगता है कि वो मुँह पे बोलना चाहिए जो भी बात होती है, बट सही है भाई, यू नो ऐसी जो आपने बताया कि अच्छा कॉन्सेप्ट है, यू नो इट्स अ पॉजिटिव सॉन्ग, वेरी पॉजिटिव, किसी ने सोचा नहीं है इस चीज के ऊपर, मैं ये लिख के दे सकता हूँ, आई कैन राइट दिस डाउन कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये नहीं सोचा किसी ने, और कॉन्सेप्ट का मतलब ये नहीं है कि हम वन टेक वीडियो कर देंगे या वीडियो से रिलेटेड है, जो गाने में बात हो रही है ना वो बात नहीं करी अभी तक किसी ने, और वो जरूरी है होना, क्योंकि जो समझदार लोग आपको सुनने बैठे हैं ना, जो सही में समझदार हैं, जो आपको भी अच्छा रिव्यू देंगे सामने से देंगे, फालतू क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, है ना,
जो अपने काम से काम रखते हैं और हम अपने उससे रखते हैं, तो उन लोगों तक गाना पहुंचना जरूरी है। चलो सही भाई, वेट कर रहे हैं कि कब ये गाना ड्रॉप हो। अभी हम देखो जैसे सुलह की बात कर रहे थे, ठीक है ना, तो उससे पहले बीफ और डिस की बात कर रहे थे। आप कि कई यू नो बीफ हुई है बहुत सारे रैपर से, मुझे लगता है कि इस सवाल का जवाब आपसे बेटर कोई नहीं बता सकता, क्योंकि अभी आप हो, आपने वो सब चीज़ें देखी हैं। अभी मैं देख रहा हूँ कि व्लॉगर्स हो गए, ठीक है, कुछ भी होता है, मतलब अगर यू नो व्लॉगर्स हैं उनकी कम्युनिटी में कुछ होता है, यूट्यूबर्स हैं, तो आपस में डिस कर देते हैं इफ यू नो अगर उनको चाहे पॉप कल्चर पता हो या ना। फैंसी फॉर देम। हाँ वही, उसी पर बात करें, मुझे आपको क्या लगता है? ये वही वाली बात है कि शराब बंद हो जानी चाहिए या चलनी चाहिए, पैरेलल है ये दोनों सवाल। अब कोई चीज अगर किसी इंसान को, जैसे मान लो किसी को लगता है कि बंदा रैप कर सकता है, है ना, और लोगों ने बोला है कि ठीक है भाई राइम करना आना चाहिए और बीट पे आना चाहिए, है ना, तो हर बंदा, रिदम हर बंदे की बॉडी में होती है कहीं ना कहीं, है ना, आप उसको टाइम दोगे करके कर सकते हो। अब कुछ लोग होते हैं जो आता कुछ नहीं है, चीज भी बेकार बनी है, उसके बाद भी डाल देते हैं, चलो वो भी ठीक है, उनके सुनने वाले हैं जो भी है। हम किसी को गलत नहीं बोल सकते कि भाई तूने क्यों किया रैप, हमारा कोई कॉपीराइट नहीं है किसी आर्ट फॉर्म के ऊपर। बट ये सोल्यूशन बन गया ना, अगर मेरी किससे भसड़ है, चाहे मैं हिप हॉप की बात नहीं कर रहा, मैं हिप हॉप से अलग बात कर रहा हूँ कि उस पर डिस निकाल दो, ये निकाल दो। भाई मैं कहता हूँ आर्ट अगर कोई पकड़नी है तो उसको सीखो, आर्ट इतनी हल्की चीज नहीं है कि तुम तीन दिन स्टूडियो में बैठोगे बन जाएगी। लोग दस दस ग्यारह ग्यारह साल हो गए, बारह बारह साल हो गए, तो इट्स ऑल अबाउट लर्निंग। ये बात सही बोले, इट्स ऑल अबाउट लर्निंग। जहाँ आर्ट आ गई ना ब्रो, फिर पढ़ाई कर सकते हो आप, आपको पाइथागोरस पढ़ाई जा सकती है, बट आपको रैप लिखना, सॉन्ग राइटिंग, सोनिक्स, ये सब चीजें ऐसे नहीं है, ये टाइम के साथ आएगा। जैसे मैंने पता नहीं लास्ट टाइम बोला था आपको या नहीं बोला था, म्यूजिक ना खुद आए, खुद आएगा, सही हो, जितना मर्जी जोर मार लो नहीं आएगा, खुद आएगा, खुद आएगा। तो इसीलिए ज्यादा जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है, जिसको जो बनाना है बनाओ भाई, ठीक है, बढ़िया। डिस है ना, लोगों के लिए बहुत फैंसी वर्ड है ये। एक बार मैं अभी किसी उसमें गया हुआ था, शायद इंदौर में था मैं, और किसी कॉलेज में हम परफॉर्म कर रहे थे, तो एक एक्टर है, बॉलीवुड एक्टर है ना, तो वहाँ पे सारे एक्टर्स वगैरह ही थे, मेरे को परफॉर्म करने के लिए बुलाया हुआ था, ऐसा सीन था, जैसे वो नहीं होता फिल्म वाले अवार्ड्स नहीं होते, ऐसा करके कुछ था वो इवेंट। तो मैं उनसे मिला, मैंने उनको तो टीवी पे देखा भाई, आई एम रियली सॉरी मेरे को नाम नहीं याद उनका, ठीक है, बट मेरी इंटरेक्शन हल्की फुल्की हुई उनसे, एकदम से बोलते कि आई होप यू डोंट डिस मी एवर। मैंने, मेरे को पता है क्या अमेज हुआ, फक, मेरे को पता है क्या अमेज हुआ, अरे आपको डिस वर्ड पता है? मैं ये सोच रहा ना आपकी फील्ड क्या क्या, बट दुनिया में चल रही है वो चीज, है ना, अगर किसी के 10 करोड़ भी व्यूज हैं तो 10 करोड़ में से कितने लोगों ने तो देखा ही होगा, देखा ही होगा। अगर कोई फेक भी करेगा तब भी तो कुछ तो लोग होंगे, पूरे सारे फेक नहीं होते, ऑर्गेनिकली कुछ ना कुछ तो होता ही है। तो मेरे को मैं ये सोच रहा कि यार ये जो लड़ाई भसड़ बीफ है ना, इसका इम्पैक्ट लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा है। लोगों को लगता है रैपर वो होते हैं तो आपस में मारते हैं दूसरे की, उनको लगता है ये है रैप। अच्छा हाँ, मेरा भी योगदान है भाई, मैं मना नहीं कर रहा, हाँ, इसका मेरा भी योगदान है, हाँ, इससे, पूरा। क्योंकि देखो आप बिल्कुल सही बात बोल रहे हो, क्योंकि आप एक यू नो कम्युनिटी से जुड़े हुए हिप हॉप सीन से, ठीक है, आप हो, मैं जुड़ा हूँ। अब जब यू नो बाहर की जो नॉर्मल ऑडियंस है, जब वो देखती है कि डिस अच्छा ही होता है, जैसे रैप बैटल्स होते हैं, मैंने कई उसमें देखा बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे, उन्हें घंटा नहीं पता कि रैप है क्या, रैप बटल है क्या, और मैंने उनके वो उतने चीप वर्जन देखे ना, तो मैं बोल रहा हूँ फक भाई क्या चल रहा है। बट वी कैन नॉट हेट ऑन एनीबॉडी ब्रो, बट वो एग्जैक्ट वो नहीं है ना, एग्जैक्ट वो कल्चर भी तो, वो कल्चर में ऐसे योगदान तो नहीं कर रहे हैं, इट्स अ चीपर वर्जन। ऐसे बहुत सारे रैपर भी है जिन्होंने कल्चर में कोई योगदान नहीं किया, बट आज भी है अच्छे नाम उस पे, पंजाबी म्यूजिक से चल के हिप हॉप पे मेरा है, तो वो चीज नहीं होती। जिसने बिल्ड किया है ना, जब हमारा, हमें कोई नहीं जानता था, एमए मैं रागा, हम लोग जो थे, हम लोगों ने बिल्ड, और नाम बता देता हूँ ब्रो मैं, जिनके नाम जो अभी काम नहीं कर रहे हैं अपनी लाइफ में, कुछ और कर रहे हैं शायद, ठीक है, ना मेरी उनसे कोई बातचीत, बट दिशांत मलिक DM, ठीक है, मेरा अपना दोस्त है थिरेन, ठीक है, उस मेटामॉर्फोसिस के नाम से उसका रैपर स्टेज नेम था, दिशांत मलिक हो गया, शाश्वत हो गया, बहुत सारे ऐसे लड़के थे साथ के हमारे, अब्दुल्ला मलिक एब्जॉन उस टाइम पे जो कर रहे थे, हाँ ब्रो, हमने साइफर्स वगैरह होते थे यहाँ पे, मैं एक बार गया हूँ आज तक जिंदगी में साइफर में, ठीक है, उसके बाद मैंने अपने घर पे किया था एक साइफर, हीम वगैरह सब आए हुए थे, हाँ हीम था। तो
वो जो था ना टाइम, जैसे एमिवे ने बोला ना कि हिप हॉप को छोटे हमने संभाला, वो तो उसने चलो ठीक है रफ्तार को बोला, बट संभालने वाले बहुत सारे लोग हैं। हाँ मतलब वो यार उस टाइम पर इतनी कनेक्टिविटी नहीं थी ना। फॉर एग्जांपल मान लो आप आप वेस्ट दिल्ली में बैठे हो, हाँ मैं बैठा हूँ फरीदाबाद में। ब्रो तब आपको पता है दिल्ली वाले सीन में ना पहले मिलना जुलना बहुत था। अच्छा अब अरे क्या बात कर रहे हो भाई, बाउंड्रीज तो अब बनी है, पहले मिलते थे तो। हाँ हाँ मुझे याद है, सही बोलो। और मेरे को याद है 2014 की बात है, मेरे आसपास बिलिंगाबा, रफ्तार, कोवरवर्क और भी आर्टिस्ट रहते जो वेस्ट दिल्ली पड़ोसी कह लो के 10 मिनट के दायरे में घर आ जाएगा ना। और मेरे को ना सेज भी, हाँ सेज भी, प्रदीप भी। तो मेरे को ये रहता था यार सारे एक फील्ड के मिलते क्यों नहीं है। अब ये मिलते थे सिर्फ साइफर्स पे, ठीक है। तो मैं एक बार जाके सीधे मौत, हाँ सीधे मौत भी है ना। तो साइफर वगैरह में मिलते थे और मेरा ना इंटरेस्ट नहीं बना उस तरीके से साइफर में जो वो लोग कर रहे थे। मेरा उसमें मेरे को लगा कि यार मैं कुछ और करूंगा तो ज़्यादा बेटर है। हाँ। तो मैं अपना प्रोडक्शन और उन चीज़ों में आ गया है ना, तो मेरा हाथ उस तरफ आ गया। तो करने वाले बहुत सारे लोग थे ब्रो जिन्होंने सही में उस टाइम पे एफर्ट्स धड़ाधड़ गाने डाले हैं जिस टाइम पे नहीं बजता था। अब बज रहा है तो अब हकदार तो हर कोई आएगा ना। हाँ, बट तो सबका कंट्रीब्यूशन है, सबका ही है, थोड़ा थोड़ा है। कोई ये नहीं बोल सकता कि मैंने अकेले ने किया है, कोई नहीं बोल सकता है, सबका है मिलके है जो है। और मैं बोलता हूँ मेरा सबसे कम है ब्रो। मैं इसलिए बोलूंगा क्योंकि मैं हिप हॉप म्यूजिक करता हूँ, मेरी रूट्स हिप हॉप से रिलेट होती है पूरी। हिप हॉप कल्चर वाला नहीं हूँ मैं, कल्चर है ही नहीं यार यहाँ पे, क्या कल्चर है। और लाना भी क्यों है हिप हॉप, देखो हिप हॉप के जो मायने हैं ना उनको समझो। तौर तरीकों में घुसने की जरूरत नहीं है कि लड़ाई होगी तो अब तो भाई मैं तो गैंगस्टर नहीं हूँ बट मैं जाऊंगा क्योंकि मैं हिप हॉप आर्टिस्ट हूँ। वो तो अब बबल बनाओगे खुद से तो फट जाएगा वो अपनी दुनिया में, वही ना एंटी बबल। हाँ, तो वही चीज है। मतलब मेरा कहना ये है कि म्यूजिक ही है यार इन दी एंड, है ना। हिप हॉप म्यूजिक और हिप हॉप कल्चर दोनों बहुत अलग चीज हो गई है। हिप हॉप कल्चर वॉज द मूवमेंट कि हम नहीं लड़ेंगे, हम गाना बनाएंगे, आर्ट दिखाएंगे, वील बैटल इट आउट पीसफुली, हम लोग अपने पीसफुली होगा। अब वही है ना, ठीक है बाहर बातें बड़ी है ना, रैपर्स मारे गए, गोलियां पड़ी, वो सीन कभी नहीं होना चाहिए इंडिया में, ऑब्वियस सी बात है। ना ही हो तो अच्छा है भाई, समझदार हो जाए लोग, ना हो तो अच्छा है। इसको सिर्फ कॉम्पिटेटिव उसमें रखो, कोई रैपर मेरी फाड़ के जाएगा ना मैं अगली बार डबल फाड़ के जाऊंगा, सिंपल सी बात है। माइक पे ही बात बोलेगा, हमारी ऑडियंस को समझाना बहुत जरूरी होता ना। वही चीज है कि अब लोगों को थोड़ा सा ये चीज समझ आनी चाहिए कि भाई अगर कोई बंदा किसी भी बंदे को कुछ बोल रहा है ना, दैट इज जस्ट आर्ट के उसमें, कि मेरी आर्ट ये, मेरी आर्ट वो, सिंपल सी बात है। बाकी आप लोग सुनने वाले हो, आप लोगों के कान तेज है भाई, आप लोग बता दोगे तू ज्यादा अच्छा है, तू ज्यादा अच्छा, नीचे कमेंट करो, लड़ने की भी जरूरत नहीं है, सबको सुनो, सब बढ़िया। बिल्कुल परफेक्ट बात बोली आपने। अब हम बात करते भाई थोड़े से पहले वो यूट्यूबर्स वाला, आपने बोला कि यू नो क्योंकि अब बहुत ईजी हो गया कि अगर किसी को भी यू नो, क्योंकि वो है ना गैंगस्टर वाला कर नहीं सकते। हाँ। और ना ही करना चाहिए, है भी नहीं तो है भी नहीं, अच्छी बात है कि भी ना आपको डिस कर देता है वो। आपका एक गाना आ रहा है छोटी उंगली, चलो एक्सक्लूसिवली आ गया राज भाई, उसमें कुछ लाइन है वो जरा मुझे लगता है कि परफेक्ट वो ना वो उस क्वेश्चन का आंसर है। अच्छा वो लाइन है बताऊं, वो परफेक्ट है बिल्कुल मुझे आपने जो, मैं थोड़ा अटक अटक के बोलूंगा क्योंकि कल ही लिखा है। क्या थी, पहले गाने बजते थे सिर्फ रेडियो पे, अब बिके थोक के भाव पे सब्जी जैसे रेडियो पे। आजकल हर कोई उठ के बन जाता है सिंगर रैपर क्योंकि हर दूसरी गली में एक स्टूडियो है। ये आपने सही बात बोली, बड़ा भाई रीचेबल हो गया, रीचेबल हो गया। पहले 4G तो छोड़ो, पहले अगर किसी के घर पे ब्रॉडबैंड कनेक्शन लगा हुआ है ना, हाँ। ओजी इस गली का, ओजी इस गली का पहला कंप्यूटर मेरे घर पता भाई। तो अब क्या है कि अब वही चीज इधर हो गई है सिंपल, जैसे ऐसे चीजें मिलती जाएंगी लोगों को, अवेल होती जाएंगी, वो उसका मिसयूज भी करेंगे और उसका अच्छा यूज भी करेंगे। जो लोग अच्छा यूज कर रहे हैं वो अच्छी डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। बड़ा वो सही बात बोले कि ना कि रैपर बनने से पहले आर्ट को समझना बहुत जरूरी है, यानी बहुत जरूरी है, ऐसे ही मत करो। काश मैं एक बार में बोलूं और सबको समझ आ जाए, काश ऐसा होता कि आर्ट अगर कर रहे हो कोई भी, डांस हो कुछ भी हो, वो बहुत डीप चीज है ब्रो, आप उसको हल्के में मत लो कभी भी कि आपको आ गई है, कभी नहीं आती वो, है ना। अगर आ गई होती ना तो सेकंड थॉट कभी नहीं होता आर्टिस्ट के दिमाग में, और आर्टिस्ट को सेकंड थॉट ही मारता है हमेशा। सही बात, तो वो सीन है, ठीक है भाई। मतलब आई थिंक बहुत लोगों को बात समझ आ गई हम जो हम कहना चाहते हैं, मतलब रैप करो जो करो, जो भी चीज़ करनी है अच्छे से करो, तरीके से करो, कुछ कायदे कानून बने हुए हैं भाई म्यूजिक में, हवाबाजी नहीं है सिर्फ, है ना। कि टीवी पे आ गए, कैमरा पे दिख गए, फेमस हो गए, नाम हो गया, हाइप मिल गई, 10 चीज़ें, ये नए नए वर्ड सीख लिए लोगों ने, तो
इसमें कुछ नहीं है, आर्ट देखो ना यार कि बंदा क्या बना रहा है, क्या कहना चाह रहा है. पहले के टाइम पे इज्जत से सुनने वाले होते थे, अब इज्जत उतार के सुनते हैं लोग. डिस बहुत उनका भी योगदान है ना डिस सॉन्ग्स का. बिल्कुल है भाई. और मैं ये बोल रहा हूँ कि दोनों चीजों को एक्सेप्ट करने में क्या दिक्कत है, साथ साथ. हाँ भाई, आप एक बार बताओ, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है? ठीक है, मैं मानता हूँ, लेकिन भाई अब वो टाइम नहीं रहा ना, अब ग्रे का टाइम है, बंदे मिक्स होते हैं, कोई ब्लैक नहीं है, कोई व्हाइट नहीं. बट जब स्टैंड लेने की बात आती है, यू आइदर शुड बी ब्लैक और व्हाइट, यू कैन नॉट बी ग्रे. हाँ, वो ये बात मैं एग्री करता हूँ. तो डिस जो ब्लैक है, बट रोमांटिक गाने मेरे व्हाइट हैं. लेकिन आप देखो ना, मतलब अगर लोगों को, चलो आपकी इस बात को मैं मान लेता हूँ, ठीक है, बट फिर भी मुझे लगता है कि रेशो जो डिस सॉन्ग में ज्यादा ही होगा. कलयुग, काल का युग है, पढ़ लो आप. देखो मैं किताब ही नहीं पढ़ता, बट मैं शब्द सुन लेता हूँ तो पूरा हिस्ट्री आ जाती है दिमाग में. बोला जी ने काल का युग है ब्रो. नेगेटिव पावर, नेगेटिव एनर्जी जो है वो हमेशा पीक पे रहेंगी. बट भाई अपना तो पॉजिटिव है, हम तो यही भाई, हम वही तो सर्कल जितना टाइट उतना बढ़िया. फैक्ट है, हम तो यही बोलेंगे भाई, जितने आई थिंक रोमांटिक ट्रैक्स या नॉर्मल रैप सॉन्ग्स आते हैं वो ज्यादा सुनो रैदर देन लिसनिंग. कई लोग ना ये भी बोलते हैं कि भाई ये तो गाना बॉलीवुड में आना चाहिए, कि ये अगर टी सीरीज से आया होता तो कितने सारे व्यूज होते इस पे, ये होता वो होता. आएगा, सब कुछ आएगा धीरे धीरे. हाँ, धीरे धीरे होता है, इतना आसान नहीं होता धीरे धीरे. यार देखो, जो मुझे ऐसा लगता है कि जो सीन से बिलोंग नहीं करता, वो एक फैन है या ऑडियंस है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ना 100 चीजें, मतलब उसके दिमाग में. अगर मैं से बताऊँ, मैं फैंस के क्वेश्चंस के, आपको भी याद है कि आर्टिस्ट से हम करते थे ना, फैंस के क्वेश्चन के रिप्लाई, तो उसमें मैं क्वेश्चन देता था कि वो ना बहुत चीजें सोचते हैं, उनको ना अगर वो ऑब्वियसली बात है, एक बीच में एक लाइन है जो उनको पता नहीं कि इस पार क्या हो रहा है, वो उस पॉइंट से 100 सवाल, लेकिन उनको जब पता लगेगा कि ना अच्छा चीजें ऐसे नहीं होती है, चीजें ऐसे होती है. यार एक चीज सोचो, कभी कभी किसी ने सोचा किशोर कुमार की ना उससे बसड़ है? उस टाइम पे तो नहीं थी चीजें, पूछो क्यों, सोशल मीडिया नहीं था. पहली चीज दायरा था ब्रो, आर्टिस्ट की इज्जत होती थी. अगर आर्टिस्ट आएगा तो कोई भी बंदा अगर आर्टिस्ट को नहीं पसंद ना तो वहां नहीं खड़ा हो. ये इज्जत दी जाती थी कि आप हमें एंटरटेन करने आए हो, हम आपको ये इज्जत दे रहे हैं. अब कहां गई वो? फैक्ट, एक दूसरे को वो भी करते थे काफी, क्या बोलते हैं, गाइड. जिससे मुझे याद है, मैं एक किस्सा पढ़ा था, मोहम्मद रफी साहब ने किशोर कुमार साहब से बोला था कि यार आप भाई परफॉर्मर हो, डू मोर स्टेज शोज. वो जाते थे टूर पे, कभी यहाँ जा रहे जा रहा हूँ. किशोर कुमार साहब जितने भी इनके वीडियोस हमने देखे हुए हैं, मैं उसी एरा में पैदा होता तो लाइव परफॉर्मर, आपको पता ही है, खतरनाक. वैसे ही बता रहा हूँ, मैं उसी एरा में पैदा होता ना तो बहुत बढ़िया था मेरे लिए, क्योंकि मैं ऑडियो बन गई, खत्म हो गया मेरा काम, मैं वो वाला बंदा हूँ. वैसे तो वीडियो भी निकालो, ये भी निकालो. हाँ ठीक है, आप जैसे सब कर रहे हैं वैसे कर लेंगे, क्या दिक्कत है, बट बनेंगे वैसे नहीं जैसे सब है. हाँ, जैसे आपको वैसे जो है. हाँ बस जैसे आपको वैसे. ठीक है भाई, अभी इनोवरा साहब का सॉन्ग आया मंगल पे, उसका BTS मैंने निकालना है, बहुत जल्द आने वाला है, फंसा पड़ा है वो. ठीक है, अभी कितने और सॉन्ग हैं इनोवरा से आपके गा रहे हैं? इनोवरा के साथ अभी 5 सॉन्ग्स तो है ही, जो लोगों को पता है 6 सॉन्ग्स थे जो अनाउंस हुए थे, और 5 गाने रह गए हैं. ठीक है, वो भी धीरे धीरे करके आ जाएंगे. हाँ, एक एक बोलना चाहता हूँ, मतलब लोका भाई वाला ट्रैक बहुत सही था, वो मैंने सुना. हाँ भाई, मुझे मजा आ गया, सारे पंप्ड हो जाओ, मतलब बता रहा हूँ, लोका वाला गाना जब आएगा ना तो आ जाएगा वो जो पुराने वाली एक वाइब थी ना हिप हॉप की, वैसे वाली बातचीत आएगी उसमें. सही है, उसका वेट कर रहा हूँ मैं. ऑल द बेस्ट भाई उसके लिए. थैंक यू. एक चीज नोटिस करी मैंने कि आप अभी जितने भी कोलैब्स कर रहे हो लोका को छोड़कर, वो आप मोस्टली सारे यंग रैपर्स के साथ कर रहे हो. ठीक है, that's very great. Last time भी हमने बात की थी इस पे, that's good कि you are collaborating with the new artist जिनको push करने की जरूरत है. जो मगर मुझे लगता है कोई young artist 90 पे काम कर रहा है, उसको push करोगे तो वो 140-150 पहुंच जाएगा, जो कि बहुत अच्छी बात है. But you know जो आपके इंडस्ट्री के, अपनी इंडस्ट्री के जो अदर फेलो रैपर्स हैं, यू आर नॉट कोलैबोरेटिंग विद देम, व्हाई? जो मेरे अदर फेलो रैपर्स हैं, हाँ मतलब नाम बताओ. सीन में जैसे 47 ले लो, बाली ले लो, और कौन है, एमवी बंटा है, उससे उसे राधा से हर जिस का आने वाला है, और इक्का भैया. अच्छा मतलब इन लोगों के साथ मैं क्यों नहीं कर रहा? मतलब यू आर नॉट कोलैबोरेटिंग विद देम? भाई मेरी ऐसी कोई वो नहीं है कि मैं उनके साथ जान के नहीं कर रहा. मुझे लगता है, देखो जैसे देखो मैं एक एक बंदे के हिसाब से बताता हूँ. 40 बाली हो गया, ठीक है, 40 और बाली और मैं, हम तीनों भी एक साथ मिले हुए हैं. ठीक है, दो तीन बार हम मिल चुके हैं बाली के साथ, तो मैं पापी के स्टूडियो में 3-4 बार बैठ चुका हूँ ना, तो उनके साथ मेरी वाइब जो है दैट इज, मतलब जो बोलते हैं ना गाना बनाने वाली, और उस तरीके से वो जब बैठेंगे तो ही आएगा. गाना बनाने नहीं बैठे हैं, वैसे मस्ती मारने बैठे हैं. तो कंफर्ट लेवल
जोन आ रहा नहीं मतलब। और पता है क्या यार, देखो मुझे नहीं पता 40 मेरे बारे में क्या सोचता है, मैं बता सकता हूँ कि मैं उसके बारे में क्या सोचता हूँ, मुझे नहीं पता बाली मेरे बारे में क्या सोचता है, ठीक है। अब मेरे मैंने दायरा इतना रखा हुआ है कि सबको ऐसे करके मिलके जाऊंगा, मैं सबको ऐसे करके मिलके जाऊंगा जो मेरे रास्ते में आएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो बात हमारी पहले भी हुई थी, 40 और मेरी बात हुई थी, और बाली और मेरा भी गाना था, एक गाना बनाया था हमने 19 में बनाया था, बट अभी तक ऐसे कुछ अलग से हुआ नहीं। फिर क्या है, हमने फॉलोअप भी नहीं लिया उस चीज़ को, ठीक है। तो जब दोनों तरफ से सीरियस होंगे ना बंदे काम करने के लिए, तो हो जाएगा, ठीक है। सिंपल। बाकी अदर आर्टिस्ट, बाकी यार, बाकी हाँ, एक का भाई शायद नाराज चल रहे हैं मुझसे। क्या बात कर रहे? पता नहीं यार, मतलब नाराज नहीं बोल सकते इसको, ज्यादा लाइट, मतलब ज्यादा वो मत लेना, लाइटली लो के मेरा बड़ा मन है उनसे मिलने का, इतना टाइम हो गया हमें, क्योंकि हम बहुत चिल कराया यार साथ में ना, तो मेरा वो होता है कि मिलते हैं यार, बहुत टाइम हो गया। मुझे याद है उनके साथ भी एक ट्रैक था आपका, गोलू भैया और एक कविता, हाथ करो ऊपर, हाँ वो भी बहुत सही, मतलब सही भाई वो, मैंने सुना था स्टूडियो, मुझे मजा आया ना, फक मैन ये क्या है, बीट ही बहुत सही थी उसकी। हाँ वो जो गाना बना था ना, तो वो भी वैसा ही सीन था कि मेरे पास बीट पड़ी हुई थी एक, है ना, पहले हमने सोचा कि बनाते हैं कुछ, मैंने कहा नहीं यार, बनाने वाला दिमाग ना मैं अकेले ही चलाता हूँ, अभी जस्ट सजेशन इधर से आएंगे इधर से आएंगे, बन नहीं पाएगा मेरे से, ठीक है। तो मैंने कहा मैं कुछ ना बीट प्ले करता हूँ, एक कवि को बोला मैंने, मैंने कहा बीट प्ले करता हूँ सुनो, एक बीट थी जो समझ आई उनको, और उनको ना थोड़ा डर्टी बीट्स पसंद है, कान्या वाइब, उनको थोड़ा सा साउंड है ना, उनको प्रोडक्शन वो वाली चीज़ पसंद है, तो उसमें थोड़ा सा एलिमेंट वैसा था, तो हमने वैसी वो आ गया दिमाग में कि हाथ करो ऊपर, याद भी नहीं ढंग से क्या था, मुझे याद है, मुझे याद है, मैंने सुना था, मुझे याद है। हाँ ठीक है, सो मतलब धीरे धीरे चीजें होंगी ऐसा लग रहा है। हाँ भाई, कब भाई मिलो यार, बैठेंगे दोबारा, चल सीन करते हैं, पार्टी का भी सीन बनाते हैं यार, बहुत टाइम हो गया, मतलब कुछ लोगों को देख के अच्छा लगता है यार सामने ना, तो इससे सेल्फिश डिसीजन भी कर लो कि मैं अपनी खुशी के लिए मिलना चाहता हूँ, सिंपल सी बात है, सही, तो बहुत टाइम हो गया। पॉजिटिविटी के लिए क्या करते हो आप? गाने नहीं, गाने तो नेगेटिव भी होते हैं। पॉजिटिविटी के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं डफली के साथ खेलता हूँ, मेरी जो पेट है, हाँ, तो उसको वही है, वो उसको मैं बोलता हूँ छोड़ो या नहीं बोलूँगा जो भी बोलता हूँ, ठीक है। तो उसके साथ ना मेरी बड़ी बड़ा प्यारा वो है कनेक्शन एक, मैं उसके लिए कुछ नहीं करता पूरे दिन, बट उसके साथ जब बैठता हूँ अच्छे से बात करता हूँ उससे, बैठता हूँ और प्यार करते हैं उसको, है ना, तो मेरा मूड कितना भी खराब हो अगर वो मेरी आंखों के आगे आ गई तो सब कुछ सब गायब, वो है ही ऐसी, प्राणी ही ऐसा है वो। मेरा विस्की है आपकी डफली, मेरा विस्की है, बताइए डॉग, जब आप ना अपने पेट के पास जाते हो तो बहुत ही अलग ही माहौल हो जाता है, और आई थिंक जो पेट्स होते हैं वो आपको ना काफी इमोशनल कर देते हैं, ये है आपके साथ, वो आपके इमोशंस को अलाइव रखते हैं। हाँ ये भी सही बात है, वो आपको, हाँ, दुनिया से आप जैसे मर्जी रहो, आप अपने पेट के साथ आपका अलग दुनिया है, आप दोनों की एक दुनिया है, इट्स अ रिलेशनशिप कह सकते हो, इट्स अ रिलेशनशिप के आपका आपके पेट के साथ एक हुआ है ना, तो मेरा डफली के साथ बहुत अलग है, बहुत ज़्यादा अलग है, तो आँखों आँखों वाला प्यार है हमारा, सही है ना, कि दूर भी बैठी है ना तो उसको पता ही, कुछ ना कुछ बोल ही रहा होगा, दूर से भी इशारा ही कर रहा होगा मुझे, तो वैसे वाला है, सही सही। तो मैं पॉजिटिव रहने के लिए ये करता हूँ, बाकी गेमिंग वगैरह करते रहते हैं दोस्तों से मिलते रहते हैं। आई थिंक PS वाली गेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बस GTA 5 आ जाए 2025 से पहले, 5 नहीं 6 सॉरी 6 GTA 6 आ जाए 2025 से पहले, PS5 आ चुका है, ये सब तो है, अभी मैं तो घर बाद में। ओके अच्छा भाई, जो आपका लेबल है एलान रिकॉर्ड्स, हाँ जी, उसके बारे में बात करते हैं, तो अभी दो दो चीजें चल रही है, आपका अपना चैनल BM मुफाड, हाँ जी, दूसरे एलान रिकॉर्ड्स, सो अभी इसमें क्या सीन है, मतलब जैसे मेरी बात होती तो लास्ट टाइम आप बोल रहे थे कि उसमें और you know, you will make a playlist, हाँ, 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 जो यंग आर्टिस्ट है उनके गाने भी रिलीज करोगे, हाँ, 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 और अगर किसी यंग आर्टिस्ट के पास अच्छा गाना है तो you know, वो कैसे आप लोग अप्रोच करें, मुझे वो जानना था कि हाउ यू नो एलान रिकॉर्ड्स वर्क, कैसे काम करते हैं। एलान रिकॉर्ड्स का सिंपल सीन ये है कि हमारी हमारा जब फोकस है ना वो है, एक तो एलान रिकॉर्ड्स भी रैट रेस में नहीं है ब्रो, एलान रिकॉर्ड्स इज अ डिफरेंट लीग फॉर सिद्धार्थ एंड मी एज वेल, है ना, एंड फॉर आर सब्सक्राइबर्स ऑल्सो। तो हमारी कोशिश ये है कि हम जितना अच्छा म्यूजिक ला सकते हैं ना हम लेके आएंगे, ठीक है, और उसको बनाने का सबसे बड़ा मोटिव ये है कि सपोर्ट करना चाहे शुरुआत से शुरू करो या किसी के बनने के बाद करो,
आता वो आपके उसमें ही है एक तरह से, गुड उसमें आता है ना, ठीक है। तो मेरी आदत रही है, मेरा ना नेचर में ये चीज़ कि कोई इंसान मेरे को पसंद आया है उसकी तारीफ भी करूँगा, उसके लिए कुछ करने की कोशिश भी करूँगा, ठीक है। तो वो मेरे अंदर ही है, वो ना करूँ ना तो मेरे को ऐसा लगता है मैं फेक बन रहा हूँ किसी के साथ। हाँ, तो एलान रिकॉर्ड से रिलेटेड ये है कि यार अभी लोगों को ये भी थोड़ा सा लग गया था कि सिर्फ उफाड़ के गाने आ रहे हैं इससे, है ना। लाइक ये भी कुछ बातें सुनने में आई थी मेरे को, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे गाने आ रहे हैं, बहुत लोगों के गाने आएंगे। प्रभंजन भी आया है, ध्रुव भी आया है, उस पर इंट्रोड्यूस किया है हमने, है ना। तो बहुत सारे लोगों के गाने आएंगे, मेरे पास तो है ही वो एक क्या बोलते हैं उसे एडवांटेज के मैं अपना गाने निकाल सकता हूँ वहाँ से, है ना। और थोड़ा सा बीएम उफाड़ में आपको पता ही है 10 चीज़ों की वजह से चैनल की थोड़ी सी ऊपर नीचे हुई थी, एल्गोरिथम और वो सारी चीज़ें, है ना, शैडो बैन वगैरह जो भी सारी चीज़ें थी। तो और एलान रिकॉर्ड्स पे हमने स्टार्ट शुरू किया इस पे कि जितना हो सकता है ना आउट ऑफ हिप हॉप वाले म्यूजिक जो जोन है वो हम निकालेंगे एलान रिकॉर्ड्स पे, ठीक है। और जो मेरा पिछला चल रहा है बोझा वो हम बीएम उफाड़ पे कंटिन्यू रखेंगे, वो चलता रहेगा, बीएम उफाड़ खत्म नहीं होगा उस तरीके से, ठीक है। हाँ, अगर कुछ चैनल बिल्कुल इतना ज़्यादा हो जाता है कि अब हो ही नहीं सकता, ठीक, तो ऑब्वियसली क्यों फालतू में सर मारेंगे, एक चैनल और बन जाएगा, कोई सी बुद्धि नहीं। तो अभी नए आर्टिस्ट को और गाने कैसे हैं? यस ब्रो। और हाँ, मैं मेन चीज़ ये बोल रहा था, हम भाई जब देंगे ना तो सबको लगना चाहिए कि कुछ मिला है उनको, हम बातें नहीं देंगे सिर्फ कि ऐसा कर देंगे वो कर देंगे, क्योंकि हर लेबल का यही सीन है, हर दूसरे लेबल का यही सीन है, बातें जितनी होंगी उससे कम काम होगा आपका। हम बातें तो होगी नहीं, हम तो काम ही करेंगे। हाँ, बातें कम, काम ज्यादा। हाँ, काम और सब खुश हो। आर्टिस्ट जो कोलैबोरेट कर रहा है उसको खुशी हो कि हमने काम किया था कभी एलान रिकॉर्ड्स के साथ। हम अपना क्या बोलते हैं उसे, हम अपनी परछाई ही ऐसा छोड़ना चाह रहे हैं कि हर इंसान साथ मांगे हमारा कभी ना कभी। समझ गया। अच्छा, टेल मी व्हाट वाज योर लर्निंग फ्रॉम योर पास्ट लेबल, क्योंकि जैसा आपने अभी बोला मेरा पास्ट लेबल डीएमएफ। हाँ, जैसा आपने बोला कि बहुत सटीक बात बोली आपने कि हम लोग बातें कम काम ज्यादा, ठीक है। ये आई थिंक बहुत ही सीख कर आपने डिसीजन लिया है रिकॉर्ड लेबल को, कि हम उसमें ये ऐसी ये हमारा ऑब्जेक्टिव है काम करने का। जैसे रैपर बहुत सारे, ऐसी लेबल्स बहुत सारे हैं, तो हमें नहीं पता कि कहाँ जाएगा क्या नहीं जाएगा, हमें पता है हमें कहाँ जाना है ना। तो उस तरीके से फोकस नहीं है। एंड व्हाट वाज योर लर्निंग फ्रॉम योर पास्ट लेबल? मेरी यार, मेरे को कभी कभी ऐसा लगता है राज भाई कि ना मैं ना काफ़ी चीज़ों के लिए ना रेडी नहीं था, मतलब मेरी लर्निंग्स ना उस तरीके से पूरी नहीं हुई थी, ठीक है, जो कि धीरे धीरे करके होने लगी है, है ना। तो मेरी लाइफ में जब डीएमएफ वाला फेज चल रहा था, मैं तब भी यही सोच लेके आया था कि मेरे पास कोई लेबल ना भी हो ना तो भी मैं गाना निकालूं, और मैं लेबल में होते हुए भी अपने चैनल से गाना निकाल रहा था, है ना। तो ये तो अच्छी बात है कि कंपनी ने आपको रोका ही नहीं, मैं और भी कोलैबोरेशंस करी, मैं बहुत सारे आर्टिस्ट का काम करता था, तो मेरे को कोई बैड एक्सपीरियंस नहीं हुआ डीएमएफ से, है ना। गुड एक्सपीरियंसिस में अगर मैं बोलूँ तो वो ये है कि उनके थ्रू ना मैंने देखा इंडस्ट्री है क्या, है ना। yes. उनके थ्रू मेरे को पता लगा कि क्या चीज़ कैसे और कौन कितना पानी में है। जितना लोग सोशल मीडिया पे दिखाते हैं और जो वो सच्ची में है उसमें बहुत फर्क है। पास से देखिए हमने। हाँ ब्रो, और मेरे साथ आई डोंट डू इट फॉर द ग्राम, नेवर। मैं ग्राम के लिए कुछ भी नहीं करता, मज़े ज़रूर लेता हूँ जैसे लोग लेते हैं। हमने प्लेलिस्ट भी शुरू कर दिया, हमें जो गाने पसंद है चाहे किसी भी आर्टिस्ट का हो, हमें पसंद है हम उस प्लेलिस्ट में डालेंगे, ठीक है, लोग आए सुने बजे उस पर, ठीक है। ये चीज़ है। फिर क्या कहना चाहते हो भाई जाने से पहले, यू नो, टू योर फैंस, टू योर फॉलोवर्स, सपोर्टर, टू एनीवन, व्हाट हैव टू से? क्योंकि मुझे लगता है कि आई जस्ट वांट टू से के थैंक यू सो मच फॉर बिलीविंग मी, लाइक बिलीविंग इन मी ऑलवेज, हमेशा तुम लोगों ने साथ दिया है। मुझे तो 2016 के बाद से पता है, ठीक है, लोग तो ऐसे हैं जो 2014 के टाइम से भी जानते हैं मेरे को और आज भी सुनते हैं। अगर कोई, जैसे बहुत बार होता है मेरे साथ ना कि मेरा कोई 2016 में गाना निकला होगा, ठीक है, उसकी स्टोरी आज भी लगती है ब्रो। सही, लोग सुनते हैं। हिप हॉप में ना हमारा जो सीन है ना, ये इसमें गाना यू डेड हो जाता है, इट्स लाइक अ सीवर जिसके अंदर आवाज़ गूंज रही है अंडरग्राउंड, तो वो डेड हो जाती है अंदर। अगर मेरी आवाज़ सस्टेन कर रही है ना आज भी, तो वो मेरी ब्लेसिंग्स में आ गया, है ना, वो मेरी मेहनत में आ गया कि मैंने, हाँ ठीक है, एक टाइम पे सही टाइम पे मेहनत करी और गाने बनाए और लोगों तक पहुँचे, लोगों को पसंद आए, बिना किसी लेबल के, बिना किसी उसके, बड़े बड़े आर्टिस्ट ने खुद से मेरा गाना शेयर किया, जो कि बहुत इज्जत वाली बात थी मेरे लिए, है ना। मुझे याद है जब सस्टू मचा आया था तो मिकी सिंह, बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट थे जिन्होंने ट्वीट किया, टोनी कक्कड़ ने भी किया, ठीक है। तो
रिकॉग्निशन मिलती है तो किसको बुरा लगता है, अच्छा लगता है ना, तो वही है। सही भाई, ऐसे तो बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, मैं गाने बनाता रहूँगा, फेंकता रहूँगा और क्या। ठीक है भाई, ग्रेट भाई, यू नो ऑल द बेस्ट, खतरनाक गाने बनाते रहो, खतरनाक काम करते रहो, यू नो, और चिल करते रहो लाइफ में। यस यस। और फर्स्ट टाइम राजजोन्स पॉडकास्ट पे आए हो, कैसा लगा? आई नो मतलब हमारे कितने सारे फर्स्ट टाइम होंगे, मतलब पॉडकास्ट में तो फर्स्ट टाइम, सीरीज अलग है ना, शो अलग है, देखो पॉडकास्ट में फर्स्ट टाइम है, आई नो कि कैसा ही लगा होगा। नहीं वो ना सुन के, क्योंकि आप आपका और मेरा जो है ना वो उस तरीके से लगता है कि यार कितनी बार तो कर लिया, कितनी बार तो बातें हो गई बैठ के, तो वो चीज है। बट हाँ ये पॉडकास्ट वाला जो था, बात तो देखो यार मैं वैसे ही करता हूँ जैसे इंटरव्यू में भी करता हूँ, मेरे लिए ना कुछ अलग नहीं है इस तरीके से बात करना। और पॉडकास्ट का ये है ना कि मतलब आई डोंट प्रिपेयर क्वेश्चन, बस हल्की सी रिसर्च की होती मैंने। ओ अच्छा, ये उसमें एक लिमिटेड, हाँ उसमें एक लिमिटेड क्वेश्चंस होते हैं, मैंने इतना रखता हूँ कि 40 मिनट के अंदर रखना है। हाँ बस एक चीज मैं सबको पहले ही बता दूँ, ये इंसान पढ़ के नहीं बोलता भाई, ये इंसान जो होता है ना सही में एक्चुअल में जो इनको पूछना होता है वही पूछते हैं। हाँ, और तो मतलब वो वाला नहीं है कि हम सोच के बैठे हैं कि ये बात करेंगे वो बात करेंगे। अच्छा, हम उनकी तरह नहीं है, मतलब कि थंबनेल कुछ और लगा है, अंदर कुछ और हो। हाँ, आकर बात करती। अरे यार ठीक है, सबको करने दो भाई। हाँ हंसते रहो कुछ, ठीक है। तो अच्छा लगा आपको मेरे साथ? यस ब्रो, ये पूछने वाली बात ही नहीं है। समीर भाई आपके साथ हमेशा अच्छा लगता है और अच्छा लगता रहेगा। समीर भाई, एंड भाई जाने से पहले अर्बन मंकी और राज जोन्स की तरफ से आपके लिए गिफ्ट बॉक्स है। यस, मैं चाहता हूँ शुक्रिया, अनबॉक्सिंग कर दो मेरे भाई। नई टोपी आ गई है मेरे पास, बेवेयर। हाँ मैंने देखा इंटरनेट पे। अरे ब्रो यार, आज मैं ऋत्विक से यही बोल रहा था, मैंने कहा व्हाइट कलर ना मेरे जैसे फैले हुए इंसान के लिए नहीं बना हुआ, बट ठीक है संभाल के रखेंगे। हाँ, एंड आई रियली लव अर्बन मंकी के मर्चेंडाइज, क्योंकि चाहे ग्लासेस हो चाहे कुछ भी हो, सब चीज बहुत एवन है। पफ ग्रेट भाई, ये पफ आपके लिए एक मास्क है ताकि आप सेफ रहो, यू नो कोरोना काल में भाई। आई थिंक मास्क, ये अपडेटेड वाला मास्क है, ये अभी सेम वही चल रहा है, नहीं दूसरा शायद दूसरा है भाई। मैं वही बंदा हूँ जो बर्थडे पे गिफ्ट मिलते ही खोलता है। हाँ। तो अरे नहीं अच्छी बात है, सुपर सेक्सी, थैंक यू सो मच अर्बन मंकी बड़े भाई, बहुत सही हो। इसको रख दें वापस, सही। So thank you भाई। हाँ जी ब्रो, thanks a lot man, thank you so much for calling me। अरे love भाई, always party के लिए भी call करते रहो, podcast के लिए भी करो, interview के लिए भी करो। थैंक यू, जब शादी करो तो बिल्कुल बुलाना। हाँ हाँ ठीक है, थैंक यू भाई।